तो कल के टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में, हम भारतीय संविधान को हमने कल प्रारंभ किया, और प्रारंभ करने के साथ साथ हमने ये जानने का प्रयास किया कि जो भारत का संविधान है वो भारत का संविधान एक दिन की उपज नहीं है। हमारा संविधान एक दिन की उपज नहीं है, ये दशकों का परिणाम है, दशकों से बना है ना। इसके लिए मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल से भारत का जो सभ्यता का इतिहास प्रारंभ होता है, भारत की सभ्यता का इतिहास प्रारंभ होता है, उस दौरान भी कानून थे, ठीक है। लेकिन जो व्यवस्थित ढंग से लिखित रूप से विधियों के माध्यम से जो प्रशासन करना प्रारंभ किया गया, ये किसने शुरू किया? प्रशासन ब्रिटिशर्स द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। एक्ट आया था 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। ये सब चर्चा हुई थी, ये सब मैंने बताया था, और पूरी क्रमबद्धता के साथ ये भी चर्चा हुई थी कि 1600 के एक्ट से लेकर के हमने कहाँ तक की चर्चा की थी, 1950, ठीक है, 1950 में जब तक संविधान लागू हो गया, अब उसका मैंने पूरा फ्रेमवर्क बनवाया था। अब उसी सब को डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले आज एक छोटी सी परिभाषा लिखवाते हैं संविधान की, कि संविधान है क्या चीज़, ठीक है। कुछ चंद शब्द, संविधान क्या है, किसे कहते हैं संविधान, बताइए संविधान क्या होता है? अच्छा, एक दस्तावेज है। संविधान ऐसा भी हो सकता है कि दस्तावेज ना भी हो, लिखित हो, अलिखित हो, है ना। विश्व में तो ऐसा भी है ना कई कंट्रीज़ के पास, कि वहाँ पे संविधान लिखित रूप में है ही नहीं, अलिखित संविधान भी है ना। तो दस्तावेज है, ठीक है, मान लिया संविधान एक दस्तावेज है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, और जिसमें नियम कानून के बारे में उल्लेख होता है, और कुछ अधिकार होते हैं, और नियमों को विवेचित करना। आप ये बताइए, जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो संविधान में तो लिखे नहीं हैं, है ना। ट्रैफिक के रूल्स हो गए, इसके अलावा IPC, CRPC है, ठीक है, CRPC है, ये सब तो संविधान में नहीं है ना। कहाँ है संविधान में, है ना। लेकिन संविधान वास्तव में है क्या चीज़, मैं ये जानना चाहता हूँ। संविधान व्यक्ति को क्या देता है, तो इसको आप समझिए। संविधान एक आधारभूत विधि होती है, यानी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से ही कोई दूसरा कानून बनता है, चाहे आपकी IPC हो, CRPC हो, या फिर कोई रूल एंड रेगुलेशन हो। सबका एक ही उद्देश्य है, लोक कल्याण करना, है ना, लोक कल्याण की भावना से नीत होना। तो जो संविधान है, मूल रूप से ये कहा जा सकता है कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो व्यक्ति के मूलाधिकारों को संरक्षित करता है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके, है ना। बेसिक फंडामेंटल राइट्स, वो भी संविधान के अंतर्गत। लिख लीजिए परिभाषा, चंद शब्दों में लिख लीजिए। संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है, संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी देश, संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है, जैसे कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का अपना एक विशिष्ट महत्व है। लोकतांत्रिक सरकार में सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों के बीच एक स्पष्ट संतुलन होता है, एक स्पष्ट संतुलन एवं विभाजन होता है।
सरकार तथा नागरिकों की गतिविधियों की सीमाएं किस प्रकार निर्धारित की जाएं, यह संविधान द्वारा निश्चित की जाती है। सरकार तथा नागरिकों की गतिविधियों की सीमाएं किस प्रकार निर्धारित की जाएं, यह संविधान द्वारा निश्चित किया जाता है। एक लाइन संविधान से ही जुड़ाव रखती है। संविधान ही वो राइट गवर्नमेंट को देते हैं। अभी चलो मैं जो हमेशा से संविधान को समझाता हूँ कि संविधान मेरे दृष्टिकोण से क्या है, या मैंने पूरे संविधान को पढ़ने के बाद क्या पाया, वो भी मैं आपको आज समझा दूँगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की संविधान मूलभूत किस धारणा से प्रेरित है, क्या चाहता है वो। ठीक है, उन सभी तथ्यों को हम यहाँ पर समेकित कर देंगे। नेक्स्ट इसी में लिख लीजिए, इस तरह संविधान एक आलेख मात्र नहीं है। इस प्रकार संविधान एक आलेख मात्र नहीं है, बल्कि यह क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के साथ निरंतर विकसित होने वाला एक सजीव तत्व है। ये है संविधान, है ना, जिंदा संविधान है। भारत का संविधान एक जिंदा दस्तावेज है ना, जो एक क्रियाशील बॉडी को आधारभूत क्या देते हैं, पावर देते हैं, एक संरचना को व्यवस्थित करते हैं। छूट तो नहीं रहा, छूट रहा है नहीं, आपका तो सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है, अभी छूट रहा है, नहीं छूट रहा, चलिए बढ़िया है, नहीं छूटता, अब तो क्यों छूटेगा, छूटे तो बताइएगा, मैं सॉफ्टवेयर चेंज कर दूंगा ना, ठीक है, तो तेज हो जाएगा। तो संविधान, अब मेरे हिसाब से समझो, आमतौर पे मैं अपने हिसाब से जो संविधान पूरा देखता हूँ, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने चीज़ों को समझा, इसी रूप को मैं संविधान मानता हूँ। और हमने भारत के संविधान को हमें पढ़ना है तो भारत के संविधान के बारे में ही चर्चा करते हैं। ठीक है, पूरे भारत के संविधान को जब आप पढ़ोगे तो तीन तत्वों को ही पाओगे। ठीक है, पूरे भारत के संविधान को पढ़ने के बाद सिर्फ तीन तत्व हैं जिनके बारे में पूरी चर्चा इस संविधान में की गई, यदि सही तरीके से आप विश्लेषण करोगे, गहराई से उतरोगे तो। ठीक है, भारत का संविधान चूंकि पढ़ रहे हैं तो इस भारत के संविधान में तीन तत्व जुड़ाव रखते हैं। ये तीन तत्व क्या हो सकते हैं, मैंने बताया भी है, सारी चीज़ें हमेशा जिक्र करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला तत्व है राज्य। संविधान में राज्य की बात होती है, राज्य के बारे में चर्चा होती है हमेशा संविधान में। जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो राज्य की चर्चा आएगी वहाँ पर, अभी इसको बताता हूँ। दूसरा एक पहलू है जो संविधान में हमेशा आकर के खड़ा हो जाता है, वो दूसरा पहलू है आपका सरकार, गवर्नमेंट। पूरे संविधान में राज्य और राज्य को संचालित करने वाली सरकार, ये भी आपको उसमें निहित मिलेगी। और तीसरा पहलू क्या है संविधान में, तीसरा पहलू है आप, व्यक्ति। अब पूरे संविधान को जब हम पढ़ेंगे तो हम इन तीनों पहलुओं को ही पाएंगे, इतने में ही पूरा संविधान खत्म। या तो संविधान राज्य को कुछ बता रहा होगा, कुछ पावर दे रहा होगा, कुछ अधिकार दे रहा होगा, या तो संविधान सरकार को कुछ उत्तरदायित्व दे रहा होगा, उसको कुछ ऐसी चीज़ें दे रहा होगा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में ये क्रियाशील रहे। और संविधान या तो व्यक्ति को कुछ
अधिकार दे रहा होगा या तो कुछ दायित्व दे रहा होगा। यही पूरी चर्चा है, पूरा संविधान इसी का निचोड़ है, ये तीन चीज़ों का निचोड़ है। अब बात करते हैं सर, राज्य क्या है, स्टेट किसे कहते हैं, बताइए। स्टेट चर्चा हो चुकी है, हाँ बताइए। ठीक ठीक, अब राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। राज्य में चार चीज़ें निहित होती हैं, यदि ये चार चीज़ें हुई तो राज्य बनेगा, अन्यथा की स्थिति में राज्य नहीं होगा। पहली चीज, राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है, ठीक है, एक लैंड एरिया फिक्स होना चाहिए, भैया इतने से इतना क्षेत्र है इसके पास, विवादित नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, है ना। तो एक निश्चित भूभाग होना अनिवार्य है राज्य के पास, यदि निश्चित भूभाग नहीं होगा तो राज्य राज्य ना रहेगा, पहली चीज ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए राज्य के पास, जनसंख्या, एक निश्चित जनसंख्या हो, ऐसा ना हो, ठीक है, निश्चित जनसंख्या, निश्चित भी भारत जैसे देशों में हो सकती है, कहाँ पता रहता है 2011 की जनसंख्या के बाद 10 साल बाद अब पता चलेगा कितनी हो गई, वो भी सर्वे के आंकड़े होते हैं, ठीक है, कोशिश की जाती है कि बहुत शुद्ध रहें लेकिन तब भी नहीं हो पाते, ठीक है। तो निश्चित जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग और एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए निवास करने वाली, पता चला भूभाग तो है लेकिन वहाँ जनसंख्या ही नहीं है, पड़ा है कोई आइलैंड टापू बहुत पड़े हैं, तो राज्य नहीं कहा जाएगा, ठीक है। राज्य तभी होगा जब भूभाग विवादित नहीं होना चाहिए, जैसे फिलिस्तीन का नाम सुना होगा, बहुत समय तक उसको राज्य का दर्जा इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो विवादित लैंड थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी आते हैं। सूडान, दक्षिणी सूडान को लेकर अभी नया राज्य बना है, वो नया कंट्री बना है। यहाँ पे पॉलिटी में राज्य का मतलब एक कंट्री से होता है, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश, बिहार और ये सब भारत के उसमें मत आ जाइएगा फेवर में, ठीक है, राज्य एक स्टेट की मतलब यह है। इसके बाद एक तीसरी चीज़ है, एक निश्चित भूभाग में जो निवास करने वाली जनसंख्या है उसको चलाने वाली एक सरकार होनी चाहिए, बिना सरकार के अभाव में राज्य की संकल्पना नहीं कर सकते, नहीं तो राज्य अराजक हो जाएगा, ठीक है। सरकार क्या करते हैं, हाँ, निर्वाचित हो ना निर्वाचित हो, कैसे भी हो, निरंकुश हो, तानाशाही हो, कुलीन तंत्र हो, अधिनायक तंत्र हो, भीड़ तंत्र हो, लोकतंत्र हो, ऐसा केंद्र होना चाहिए जो जनसंख्या को नियंत्रित, हाँ, संप्रभु एक सरकार होनी चाहिए। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व तो है, जिसके अभाव में तीनों का कोई अस्तित्व नहीं है, राज्य नहीं कहे जाएंगे, वो है संप्रभुता। यदि संप्रभुता नहीं हुई राज्य में तो राज्य राज्य ना रहेगा, ठीक है। सुप्रीम पावर होना चाहिए, जैसे कि 1947 से पहले हमारे पास भूभाग था, भारत के पास हमारे पास जनसंख्या थी, हमारे पास गवर्नमेंट थी, लेकिन हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, तो हम राज्य ब्रिटिश औपनिवेशिक क्षेत्र था बस, ठीक है। तो राज्य की संकल्पना देखो, पहले राज्यवाद की संकल्पना कुछ थी ही नहीं, दरअसल राष्ट्र राज्य की संकल्पना का जन्म कब हुआ, राष्ट्र राज्य, जब आप कभी विश्व इतिहास पढ़ोगे तो राष्ट्र राज्य की संकल्पना का जन्म हुआ, वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, ठीक है, वेस्टफेलिया की संधि के बाद 1648 में राष्ट्र राज्य पूरे विश्व में ये बनाया गया कि राष्ट्र, अच्छा, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया गया, ये राज्य है, ये राष्ट्र है, पहले ऐसा कुछ था नहीं। सर, यूरोप से स्टार्ट, यूरोप, हाँ 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 बिल्कुल, पढ़ाऊंगा जब कभी होगा, आगे पढ़ोगे तो वेस्टफेलिया ये सब है, मेंस में टॉपिक में है, विश्व इतिहास है तो वो पढ़ेंगे। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे ये चर्चा कर रहा हूँ, संप्रभुता एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है। अब संप्रभुता क्या होता है बताइए, संप्रभुता क्या चीज है, बाहरी और इंटरनली स्वतंत्र, दबाव नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, आप हैं, डिसीजन आपको लेना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, वैसे ही सरकार है, उस राज्य को डिसीजन लेना है कि उसके अंदर कैसी नीतियां बननी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे उसे स्थापित करना अदर कंट्रीज़ में, ना कोई बाह्य दबाव हो, ना तो अंदर से भी ऐसा हो कि अंदर से भी, जैसे कि छोटी छोटी यूनिट्स हैं यहाँ पर भी, वो बाह्य और आंतरिक रूप से सर्वोच्च सत्ता ही संप्रभु सत्ता कहलाती है। नहीं नहीं, राज्य संप्रभुता में मौलिक, ये तो व्यक्ति की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं ना, एक ऐसी बॉडी है जो संप्रभु है, जैसे भारत है आज के टाइम पे, भारत में आप देखते हो ना
कोई दबाव नहीं, कोई अदर कंट्री हमारे किसी भी डिसीजन पे आकर के नहीं कुछ कर सकती। हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि अभी कश्मीर वाला मुद्दा होता है, द्विपक्षीय मामला है, ठीक है, हम हमेशा क्या कहते हैं, हम द्विपक्षीय इसे सुलझाएंगे, हमें हम इसे बहुपक्षीय मंच में ले ही नहीं, वो तो गलती पड़ गई, नेहरू ले गए, उस समय यूनाइटेड नेशन बना था, नया बना था। और ये क्वेश्चन भी अभी आया था पीसीएस का, यदि आप जो क्वेश्चन ये आया था कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति कैसी थी, तो जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद हमारी विदेश नीति कैसी थी, नेहरू जो थे पंचशील सिद्धांतों पर विश्वास करते थे, ठीक है, नेहरू जो है गुट निरपेक्षता पर विश्वास करते थे, नेहरू जो है वैश्विक शांति पर विश्वास करते थे, ठीक है, नेहरू जो है बहुध्रुवीयता पे विश्वास करते थे। बहुध्रुवीयता समझते हैं ना, पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया था, है ना, यूएसएसआर, कोल्ड वार चल रहा था उस समय, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, तो नेहरू चाहते थे कि ये बहुध्रुवीयता हो, एक दो ध्रुवों में क्या होगा, जो नए सृजित राज्य हैं वो पिस के रह जाएंगे, उनका शोषण कर लिया जाएगा, अरे अभी अभी तो स्वतंत्र हुए हैं, इन्हें तो डेवलपमेंट चाहिए, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे चाहिए, ये कैसे विश्व की शक्तियों के साथ फिर से आपसी युद्ध में जा करके भिड़ जाएंगे। तो नेहरू, हमारी ऐसी विदेश नीति चली, उस विदेश नीति में एक हिस्सा ये भी था कि नेहरू जो वैश्विक मंच होते थे उनको मानते थे, उनको श्रद्धा, जैसे यूनाइटेड नेशन, उन्हें लगा कि यूनाइटेड नेशन में अब जो है, क्योंकि भारत एक उसका सदस्य रहा जब वो बन के तैयार हुआ, सृजक सदस्य रहा, तो हम अपने कश्मीर के मुद्दे को ले गए, लेकिन आज जो हमारा कहना है कि कश्मीर का मुद्दा हमारा द्विपक्षीय मुद्दा है, हम संप्रभु हैं उसमें। इसके बाद जैसे कि 1949 में कॉमनवेल्थ की सदस्यता हमने ज्वाइन की, कॉमनवेल्थ कंट्री जानते हो, राष्ट्रमंडल देश, अभी गेम हुए थे राष्ट्रमंडल, है ना, तो कॉमनवेल्थ कंट्री वो कंट्री होती हैं जिनको ब्रिटेन ने कभी ना कभी शासित किया हो, औपनिवेशिक शासन में, हाँ, उसके उपनिवेश रहे हों। तो नेहरू ने इसको जब ज्वाइन किया, भारत को इसका सदस्य बनाया, तो बहुत लोगों ने कहा कि भारत अपनी सदस्यता, अपनी संप्रभुता खो बैठा, ठीक है, क्यों संप्रभुता खो बैठा, क्योंकि जो कॉमनवेल्थ होता है वहाँ पे जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है वो कौन होता है, महारानी, इंग्लैंड की महारानी, ठीक है, अभी पता है महारानी की तबीयत ख़राब चल रही है ना, बहुत बीमार है, और कल मैं न्यूज़ पढ़ के मुझे बड़ा हतप्रत हुआ, वहाँ पे एक अभ्यास चल रहा है महारानी के शोक दिवस को मनाने का अभ्यास, कि जब महारानी दिवंगत हो जाएंगी तो किस तरीके से पूरे देश में शोक दिवस मनाना है, गुप्त अभ्यास अभी हुआ है, 10 दिवसीय अभ्यास किया गया है ब्रिटेन में, तैयारियां चल रही हैं उसकी अंतिम घड़ी की, हाँ, व्यक्ति को मरना ही है, उनकी उम्र भी हो गई है, उम्र का तगाजा, और उम्र में जब इस उम्र में कोई बीमार पड़े तो समझ ही लो कि आने वाले समय में बहुत लंबा नहीं खींचेगा, ठीक है, अभी जैसे अटल जी हमारे, है ना, देखो इतनी बड़ी हस्ती जिंदा है अभी, लेकिन ज़िंदगी का क्या मतलब है, मुझे लगता है कि उनके देवाशान के बाद लोग ज़्यादा जानेंगे उन्हें, कोई जानता है अटल जी का, कभी नाम लिया जाता है, अब तो फोटो से भी हट गए, नहीं लिया जाता है ना, अटल जी अभी जिंदा है, बताओ कितना बड़ा महापुरुष जिंदा है, कोई मतलब नहीं है, पन्नों से खो चुका है, बिछिप्त, मरने के बाद शायद उजागर हो जाए, अभी बीमार थे, अभी हैं शायद एम्स में भर्ती हैं। और देखो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो विदेश नहीं जाता कभी इलाज कराने, वो कहता है मुझे भारत के डॉक्टरों के ऊपर पूरा भरोसा है, यहीं पड़े हैं, मैं नहीं जाऊंगा, कई बार उनको बोला भी है कि वहाँ चले जाइए, ये सर्जरी, बोल नहीं, आरएसएस वाले स्वदेशी है ना, तो राष्ट्रवादी भावना। तो ये कह रहा था कि जो राज्य होता है ये चार अनिवार्य तत्वों से मिलके बनता है, भारत के पास निश्चित भूभाग है, बिल्कुल है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है, राष्ट्र है, राज्य है, राज्य कन्फर्म हो गया कि राज्य क्या है। देखो मैं संविधान पढ़ा रहा हूँ कि संविधान में किन किन तत्वों की चर्चा होगी, संविधान में इन तीन तत्वों की चर्चा है, राज्य, सरकार और व्यक्ति, जिसमें राज्य इन तत्वों से मिलकर बना है, भारत एक राज्य है, बिल्कुल है, क्योंकि राज्य में सभी अनिवार्य तत्वों को भारत क्वालिफाइड है, ठीक है, सभी अनिवार्य तत्व उसके पास हैं। अब बात करते हैं सरकार, देखो सरकार यहाँ भी है, सरकार यहाँ भी, ठीक है, सरकार क्या है, सरकार एक ऐसी बॉडी है जो अराजकता को ख़त्म करती है, रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन को स्थापित करती है, और व्यक्तियों के कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण करती है, इसलिए सरकार बनाई जाती है। सरकार के कई रंग होते हैं, सरकार राजतंत्रीय भी हो सकती है, सरकार लोकतंत्रीय भी हो सकती है, सरकार निरंकुशवादी भी हो सकती है, सरकार अधिनायक तंत्र भी हो सकता है, देखे थे ना नेपोलियन बोनापार्ट, अधिनायकवादी बन गया, निरंकुश तंत्र बन गया, है ना, हाँ, और चीन में जो है, चीन का जो संविधान है वहाँ पे ये बात लिखी हुई है, निरंकुश लोकतंत्र, वहाँ भी लोकतंत्र है, वहाँ भी चुनाव होते हैं, वहाँ पे क्या है कि एक ही पार्टी है,
पोलिट ब्यूरो है ना, और निचले स्तर पर चुनाव होते हैं, वहाँ पे ऊपर स्तर पर चुनाव नहीं होते, वहाँ विपक्ष का अभाव है। और संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा निरंकुश लोकतंत्र। हमारे यहाँ क्या लिखा है, हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है, और भारत में उदारवादी लोकतंत्र है। जनता किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकती है, बैठे हो करो क्रिटिसाइज। लोग लोक सेवा आयोग को नहीं छोड़ते, संघ लोक सेवा आयोग को नहीं छोड़ते, प्रधानमंत्री को तो सबसे ज़्यादा पानी पी पी के है ना। अभी चुनाव आएगा तो देखिएगा, कोई नहीं मानता बहुत। अभी मैं एक बहस सुन रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था, वो महापुरुष समाजवादी पार्टी से थे और वो प्रधानमंत्री को ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहे, तृणमूल पार्टी, तृणमूल कांग्रेस से थे, ठीक है। कभी वो डिबेट सुनेंगे और उसमें टीवी एंकर चिल्लाता, अरे रुक जाइए क्या कर रहे हैं। संबित पात्रा बैठे थे, संबित पात्रा को जानते हो, शुद्ध हिंदी चार चार छः मार देते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं। किसका विरोध करते हैं, सत्य का, सत्य अहिंसा और आस्थे, अच्छा सत्ता का, मैंने कहा शायद गांधीवादी विचारधारा। तो ये हो गया आपका संविधान का एक मूलभूत अंग। अब हम दूसरे अंग पे आते हैं, चूंकि भारत का संविधान पढ़ रहे हैं और भारत के संविधान का दूसरा आधारभूत तत्व सरकार, सरकार की चर्चा करते हैं। राज्य समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखो पूरा संविधान समेट जाएगा यहाँ से, राज्य यदि समझ में आ गया तो पूरा संविधान एक ही लेक्चर में समझ जाओगे, आत्मा समझ जाओगे, ये मेरी प्रस्तावना है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ। दूसरा तत्व है सरकार। सरकार जो है भारत में, सरकार किस तरीके की है, क्या सिस्टम लिया गया सरकार का। सरकार में दो तरीके लिए गए, दो देखो दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली ली गई, शासन प्रणाली, और दूसरी है व्यवस्था, शासकीय व्यवस्था। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, प्रणाली कैसी है और व्यवस्था कैसी है सरकार के अंतर्गत। प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। तीन प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं पूरे विश्व में, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और तीसरी होती है संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली में, संसदात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली उत्तरदायित्व और नियंत्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, क्लियर। संसदात्मक शासन प्रणाली उत्तरदायित्व और नियंत्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है सरकार की तरीके। अब कैसे, चलिए पहले शासन प्रणाली समझते हैं। तीन प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं, भी लिख लीजिए, संसदीय नंबर दो, अध्यक्षीय नंबर तीन, अर्ध अध्यक्षीय। पूरे विश्व में या तो कहीं पर संसदीय होगी, या तो कहीं पर अध्यक्षीय होगी, या तो कहीं पर अर्ध अध्यक्षीय होगी, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व और नियंत्रण प्रकार के, सबसे पहले सरकार के मूलभूत अंग लिखते हैं यहाँ पर, फिर मैं बता समझाना चालू करता हूँ। सरकार तीन तत्वों से मिलकर बनती है, ठीक है, तीन तत्व हैं जो सरकार का निर्माण करते हैं। सबसे पहला तत्व है विधायिका, विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। ये तीन तत्व हैं न्यायपालिका। अब यहाँ पर जो विधायिका है और कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होगा, उत्तरदायित्व और नियंत्रण से बंधी होंगी। न्यायपालिका भी बंधी होगी, कैसे, विधायिका का क्या नाम है, संसद, ठीक है। हम किसको चुनते हैं, संसद के सदस्यों को चुनते हैं, हमने अपने पार्लियामेंट मेंबर चुन लिए, राज्यसभा लोकसभा, उन्हीं से मंत्री चुन लिए जाते हैं, कार्यपालिका का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर भी होते हैं, राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर भी होते हैं। संसद में विधायिका किससे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति और संसद से मिलके। संसद में दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। देखो यदि सौभाग्य रहा आप लोगों का, ठीक है, पूरा संविधान खत्म हो गया तो इस मानसून सत्र में यदि बात बन गई तो हम लोग सब संसद चलेंगे अंदर घूमने, ठीक है, मैं सेशन दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मेरी कल चर्चा हो रही थी तो मेरे मित्र हैं वो संसद हैं, महाराष्ट्र से हैं, कांग्रेस के, तो कल उनसे चर्चा हो रही थी, तो यदि हुआ तो सब कुछ पढ़ लेने के बाद फिर चलेंगे देखने अंदर, एक ही घंटे का सेशन होता है, तो यदि हुआ संभव तो कोशिश मैं करूँगा पूरी, ठीक है।
तो आपको वहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली चीज़ें देखेंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज का जो स्तर है वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, संसदीय संग्रहालय को देखेंगे आप लोग, और वहाँ पे संसद का लाइब्रेरी भी है, वो बहुत अच्छा है ना, तो ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखें। ठीक है, संविधान सभा का, चूँकि मैं संविधान, जैसे कि मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाऊँगा, तो उससे पहले क्यों ना फंडामेंटल राइट पे संविधान सभा में क्या बहस हुई वो देख ली जाए, है ना। यदि मैं संघ राज संबंध पढ़ाऊँगा तो क्यों ना एक बार संविधान सभा की डिबेट देख ली जाए, फिर संघ राज संबंध पढ़े जाए। ठीक है, कैसे गोविंद वल्लभ पंत, काफ़ी मतलब मज़ा आ जाएगा उसको दिखाने के बाद, फिर पढ़ाने के बाद। तो यहाँ पर जो ये तीनों अंग हैं, तीनों अंग एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं। कैसे, विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है, या तो यही कहा जाए कि विधायिका के गर्भ से कार्यपालिका का जन्म होता है। ये माँ है, ये बेटा है, ठीक है, और ये सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है अपने माँ के, जैसे आप हम भी हैं माँ के प्रति उत्तरदायी हैं कि नहीं है, है ना। कुछ भी होगा जो आप देना पड़ेगा घर पे, क्या किया क्या नहीं किया, है ना, तो वैसे ही कार्यपालिका को भी जवाब दे, उत्तरदायित्व नियंत्रण। कुछ बेटा गड़बड़ किया तो माँ दंड दे देगी, कैसे भी करके, वो तरीका बताऊंगा। इसके बाद दूसरा क्या है, न्यायपालिका, मुख्य न्यायाधीश। न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चुनाव कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, न्यायाधीशों को कौन हटाएगा, कौन है, आप जो है ना, संसद हटाती है। ठीक है, तो चेक एंड बैलेंस है पूरा, देखिए सब एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं, कोई भी निरंकुश नहीं बन सकता किसी भी कंडीशन में। और यदि ये कुछ दोनों गड़बड़ किए तो ये बैठा है तुरंत, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू हो गया, या फिर स्वतः विवेका, न्यायिक सक्रियता, है ना, न्यायिक सक्रियता, न्यायालय खुद स्वतः संज्ञान ले लेता है क्या चल रहा है भाई, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा चेक एंड बैलेंस में होती है संसदीय शासन प्रणाली, समझ में आई। अध्यक्षीय शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है। मोंटेस्क्यू एक थिंकर था, उसने एक थ्योरी दी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी सभी की शक्तियाँ अलग अलग होंगी, किसी का किसी से कोई मतलब नहीं होगा। ये अमेरिका में है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका से जुड़ाव रखता है, राष्ट्रपति के चुनाव में विधायिका का कोई रोल नहीं होता। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में विधायिका का ही रोल होता है, ठीक है, वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव पब्लिक द्वारा होता है, ठीक है, और विधायिका हटा नहीं सकती राष्ट्रपति को, वो तो महाभियोग का वहाँ भी है, वहाँ भी महाभियोग होता है, लेकिन वहाँ पे शक्ति पृथक्करण है, विधायिका का कोई रोल नहीं है कार्यपालिका से, कार्यपालिका का कोई रोल नहीं न्यायपालिका, न्यायपालिका बहुत पावरफुल है अमेरिका में। न्याय अभी देखा था, ये जो ट्रंप इधर उधर की गतिविधियां कर रहा था, कभी 7 देशों के प्रतिनिधियों को बैन, तुरंत न्यायपालिका ने कहा नहीं होगा ऐसा, है ना, इतने बड़े बड़े पर्यावरण एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे जो बिल आया था उसको लेकर के, तो जो भी है न्यायपालिका वहाँ की एब्सोल्यूट पावर रखती है, और विधायिका भी खतरनाक है, सीनेट, वहाँ की विधायिका का नाम कांग्रेस है, जिसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, ठीक है। तो हाँ, इसे बोलते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, क्लियर, समझ गए। तो ये है शासन प्रणाली अध्यक्षीय। अर्ध अध्यक्षीय में क्या होता है, यहाँ पे एक चीज और समझिए, 2 पद होते हैं, हमेशा बताता हूँ, एक होता है राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, दूसरा होता है सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख। तो संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख अलग अलग व्यक्ति होता है। ब्रिटेन में कौन सी प्रणाली है, ब्रिटेन में संसदीय है, वहीं से तो ली गई है ना। तो यहाँ पर भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति महोदय हैं और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। तो भारत में राष्ट्रपति महोदय हैं और राष्ट्रपति महोदय एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं, है ना, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि ही तो चुनते हैं, तो यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता ने चुन लिया। तो कहीं ना कहीं पे राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने जाते हैं और निश्चित, यानी राष्ट्र का प्रमुख जनता के द्वारा जब चुना जाता है, एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, तो उसे गणतंत्र बोलते हैं, उस कंट्री को गणतंत्र बोलते हैं। जो भी कंट्री होगी जहाँ पे राष्ट्र का प्रमुख जनता का प्रतिनिधि होगा और निश्चित अवधि के लिए चुन के आएगा, वो गणतंत्र कहलाएगा, ठीक। वहीं ब्रिटेन में राष्ट्र का प्रमुख राजा होता है, जो कि वंशानुगत होता है, ठीक है, राजा होता है जो कि वंशानुगत होता है। तो वंशानुगत होने के कारण ब्रिटेन में राजतंत्र है आज भी,
राजतंत्र है। हमारे यहाँ गणतंत्र है, ब्रिटेन में राजतंत्र है, जापान में राजतंत्र है, ठीक है। लेकिन सरकार का प्रमुख जो प्रधानमंत्री होता है, ये भी जनता द्वारा चुन के आता है, इसलिए भारत में लोकतंत्र है। जनता का शासन है, जनता के प्रतिनिधि जाकर के हमारे लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लोकतंत्र है, इसलिए भारत गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक देश है। और ब्रिटेन कैसा देश है? ब्रिटेन में भी जो प्रधानमंत्री है जनता द्वारा चुन के आता है, तो वहाँ भी लोकतंत्र है, वहाँ पे राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है, ठीक है। ये हो गए संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। अमेरिका में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति। तो जहां पर भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी, वहां पर राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा? एक ही व्यक्ति, राष्ट्रपति। एक ही व्यक्ति होगा, वही सरकार के पद पे भी होगा, वही राष्ट्र के पद पे। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का प्रमुख ही प्रमुख व्यक्ति होगा, ये हावी होगा राष्ट्र के प्रमुख के ऊपर। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्र के प्रमुख के ऊपर तो जरूर होंगी, लेकिन वास्तविक सत्ता का संचालन सरकार का प्रमुख करेगा संसदीय शासन प्रणाली में। हमारे यहाँ पर राष्ट्र समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास हैं। लेकिन समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, किसके माध्यम? पीएम, प्रधानमंत्री बोले ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये 74 ने राष्ट्रपति का ये राइट छीन लिया। इसके बाद एक संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में, और उस संविधान संशोधन में ये जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति जो हैं संविधान में यदि कोई भी संशोधन किया जाएगा, उसको परमिशन देने के लिए बाध्य होंगे, अनुमति देनी ही पड़ेगी। संविधान संशोधन को नहीं रोक सकते, बस, नहीं तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है ना, पॉकेट वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो है, विशेषित स्पेशल वीटो है। अभी सब बताऊंगा स्पेशल वीटो क्या होता है, विशेषित वीटो क्या होता है ना, ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक साथ नहीं सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो राष्ट्रपति जरूर कार्यपालिका का प्रमुख है, सब कुछ है, लेकिन कार्यपालिका का प्रमुख नहीं है। भारत में यदि कोई एवेंजर्स आके संविधान पढ़े, बाहर का आदमी, और संविधान पढ़ने के बाद 53 पढ़ने के बाद उत्साहित हो जा रहे, यहाँ का तो राष्ट्रपति के तो जलवे हैं, हर चीज़ ये सेना का सर्वोच्च सेनापति, ये सब कुछ लिखा है उसमें, समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ इसके पास। और जैसे ही पढ़ते पढ़ते 74, फिर 74 के बाद 78, बोले धोखा हो गया उसके साथ, ठीक है। तो राष्ट्रपति, भारत का संविधान जो है ना, टोटली ये धोखा है। यहाँ पे तीनों आर्टिकल एक साथ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि राष्ट्रपति ज़्यादा पावर नहीं है, ठीक है। अध्यक्षीय की बात करते हैं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सब कुछ राष्ट्रपति के पास निहित होता है। पावर, वीटो पावर से लेकर के अध्यादेश जारी करना, बहुत पावरफुल होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख, क्योंकि वहाँ पे सरकार के प्रमुख का कॉन्सेप्ट भी राष्ट्रपति के रूप में ही है। अर्ध अध्यक्षीय श्रीलंका में है, श्रीलंका में देखते हैं ना राष्ट्रपति भी हैं, क्या नाम है, मैत्रीपाल सिरीसेना है ना, और कौन है, रानिल विक्रम सिंघे हैं क्या, अभी प्रधानमंत्री कौन है वहाँ पे, हाँ विक्रम सिंघे हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे दोनों पावरफुल, इक्वल राइट्स हैं। महिंद्रा राजपक्षे के टाइम पे देखिए राष्ट्रपति कितना उत्तमचाया था, है ना, चाइना से ये चाइना को देना, वो चाइना को देना, भारत के साथ संबंध तोड़ देना, ठीक है। तो वहाँ पे अर्ध अध्यक्षीय में क्या होता है, सरकार का प्रमुख तो प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्र का प्रमुख तो राष्ट्रपति ही होगा, लेकिन दोनों के पास राइट्स की बात आएगी तो इक्वल राइट्स। क्लैशेस हो जाते हैं, बहुत बड़े स्तर पे क्लैशेस होते हैं वहाँ पर, रिजॉल्व करने के लिए वही है, विधायिका है, नहीं तो इतना बड़ा स्तर होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब भारत में भी तो क्लैशेस हो जाते हैं, देखते नहीं है भारत में राष्ट्रपति, और याद कीजिए वो इरा जब राजीव गांधी की सरकार थी, और उस समय ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है। उस समय एक विधेयक आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा बताऊंगा, उस विधेयक को उन्होंने पॉकेट ब्यूरो कर लिया था, वो था आपका इसके ऊपर, न्यूज़ के ऊपर था, मीडिया के लिए वो विधेयक लाया गया था, बहुत विद्रोह हुआ, और लेकिन ज्ञानी जैल सिंह, उसी समय इमरजेंसी भी लगी थी, इमरजेंसी नहीं, इनकी मौत हो गई थी इंदिरा गांधी की, और मारा भी उनके बॉडीगार्ड ने ही था, वो भी सिख थे, ज्ञानी जैल सिंह भी सिख थे। तो उस समय हिंसा हुई थी भारत में, और 1984 का दंगा दुनिया को याद है, कितना बुरा हाल हुआ था दिल्ली में, और उस दंगे में ज्ञानी जैल सिंह की कुछ सुनी नहीं जा रही थी, सिख बार बार फ़ोन करके कि सर कुछ कीजिए, आप तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन
कुछ नहीं सुना। और उस समय ये भी सुनने में आ रहा है कि ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था, बीपी सिंह से बात की थी कि आप यदि तैयार हों तो मैं आपको विशेष अधिकार होता है ना राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति संविधान में क्या लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति चुनेगा, लेकिन किसे चुनेगा नहीं लिखा है, यह लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनेगा, ठीक है। तो विशेषाधिकार है राष्ट्रपति का, कोई एक ऐसा कारण है, कुछ भी कारण लगा के, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ, वीटो पावर अलग, वो तो बिल्स के ऊपर होती है, जब विधेयक पारित होते हैं तो राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को रोक ले नहीं रोक ले, तो हो जाते हैं तनाव की स्थिति तो कभी भी बन सकती है। न्याय, अभी तो देख लो बीच में क्या स्थिति आ गई, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में तनाव आ गया, ठीक है, देखे थे वो लेकर आए थे, न्यायपालिका ने क्या किया, वो विपक्ष लेकर आया था, महावीर रिमूवल लेकर आए थे, है ना, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है ना कि जब न्यायपालिका और विधायिका के बीच में टकराव की स्थिति, जैसे कि वो आया था कोलेजियम सिस्टम को तोड़ना था और न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, उसके बाद भी तनाव की स्थिति क्रिएट हो गई, तो ये तो होता है और रिजॉल्व भी हो जाता है संविधान, इसलिए वो बताएं ना, वो बैठा तो है जीवंत दस्तावेज, वो तुरंत अपने आप को बदल लेता है, कलरफुल है वो, नम्यता हो जाता है फिर कठोर हो जाता है, तो वही है वो, पूरी पावर्स की जड़ वही है, संविधान संशोधन करके फिर से विधायिका उसको इधर उधर कर देती है। 1942 का इरा याद कीजिए, पूरा संविधान बदल दिया गया, लोकसभा का कार्यकाल 6 साल होगा, है ना, क्या क्या चीज़ें उसमें जोड़ दी गई, आपातकाल लगा था उस समय देश में, ठीक है, संविधान है 44 में फिर पूरा बदल गया, 42वें से चेंज हुआ, 44वें में फिर बदल गया, ठीक है। तो ये संविधान की क्वालिटीज़ होती है, हमारा संविधान की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हम अभी कुछ और हैं, यही होना भी चाहिए, व्यक्ति के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, संविधान से सीखो इस चीज़ को कि समय और परिस्थिति के अनुसार हमको बदल जाना चाहिए, फ्लेक्सिबल चीज़ टूटती नहीं है, मुड़ जाती है, फिर जैसे ही परिस्थिति जैसे ही छूटा फिर सीधी हो गई, और जो आइटम जैसे ये है इसको मैं तोड़ू, ये वैसे फ्लेक्सिबल है, ठीक है, लेकिन जो आकड़ू आदमी होता है तुरंत टूट जाता है, 1 सेकंड लगता है गमन तोड़ने में उसका, है ना, इसके बाद उठ नहीं पाता हो, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, संविधान ये सीख देता है। चलो ये चर्चा नहीं करनी थी मुझे, मैं ये बता रहा था कि हमारे यहाँ पे शासन प्रणाली, तीनों शासन प्रणाली समझ गए होंगे, ये शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पे, ये उत्तरदायित्व और नियंत्रण के सिद्धांत पे, ये आपसी सहयोग के सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है, ये हो गई तीनों शासन प्रणाली। अब और चीज़ें समझाता हूँ, ये सब चीज़ें आमतौर पर मैंने नहीं बताई आज तक। व्यवस्था की बात करते हैं, व्यवस्था किस प्रकार की होती है, दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं पूरे विश्व में, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, पूरा राज्य जो होगा, जो स्टेट होगा, वो दो यूनिट्स में बटा होगा, एक तरफ संघ होगा जिसे केंद्र कहते हैं, ठीक है, केंद्र कहते हैं, और दूसरी तरफ क्या होगा, राज्य होंगे, उसकी यूनिट्स होंगी, ठीक है, तो एक तरफ संघ होगा दूसरी तरफ उसकी यूनिट होंगी, लेकिन एकात्मक में क्या होगा, एकात्मक में केवल और केवल एक ही पावर होगी, वही सारा कार्य करेगी, ठीक है। संघ में क्या होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, राज्य के लिए अलग पावर होंगी जो स्पष्ट रूप से उसमें वो स्वतंत्र होगा, और संघ के लिए, लेकिन भारत ने एक अलग एग्जाम्पल क्रिएट किया, भारत ना तो संघ बन, भारत ने एक नई व्यवस्था दिखा दी, वो है परिसंघ बोलते हैं, अर्ध संघ, आधा संघ, ना तो एक आत्मक है ना तो संघ है, अमेरिका है पूर्ण संघ, अमेरिका में क्या है, दो पावर हैं, केंद्र है राज्य है, भारत में भी दो पावर हैं, केंद्र और राज्य हैं, लेकिन अमेरिका में संघ के पास भी जो पावर है वो राज्य के पास भी, यदि संघ का संविधान है तो राज्य का संविधान है, संघ की नागरिकता है तो राज्य की नागरिकता है, यदि संघ के पास न्यायपालिका है तो वहाँ भी न्यायपालिका है, संघ के पास हर राज्य को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है सीनेट में, भारत में है क्या, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 31, किसी को 1, किसी को 0, केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिए आधे से ज़्यादा गायब है बेचारे, प्रतिनिधित्व ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे छोटा सा हवाई प्रदेश और कैलिफोर्निया जैसा राज्य 2 ही भेजेंगे, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को टोटल मिला के देखिए 6-7 सीटें हैं, कहाँ कोई ध्यान देगा, उनका तो प्रतिनिधित्व ही नहीं है, ऐसे पड़े रहिए किनारे, ना लोग घूमने जाते और ना लोग कोई जानता है, नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल अपरिचित है, इतिहास भी नहीं पढ़ते नॉर्थ ईस्ट का, और बताओ, प्रतिनिधि होते तो सब कुछ करवाते, एनसीईआरटी में लिखवाते कि भैया हमारा भी इतिहास लिखो,
समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भारत में एक नए तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है जिसे परिसंघात्मक बोलते हैं। ग्रेविन एस्टिन ने कहा है इसे। अब तो सहयोगी संघवाद की बात, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अलग चीज़ है, अलग कॉन्सेप्ट है वो। लेकिन एक और होता है, एक और व्यवस्था होती है जो वैश्विक स्तर की व्यवस्था होती है जिसे महासंघ बोला जाता है। USSR बना था ना, कई राष्ट्र जब एक साथ मिलते हैं और अपनी अपनी संप्रभुता को बरकरार रखते हैं उसे महासंघ कहते हैं। USSR बना, हर राष्ट्र के पास संप्रभुता थी। यहाँ पे क्या होता है संघीय व्यवस्था में, यहाँ पर जैसे कि ये राज्य हैं, अमेरिका की बात करूँ, इन राज्यों के पास भी उतनी ही पावर होगी जितनी केंद्र के पास, इनके पास भी धन का स्रोत उतना ही होगा जितना केंद्र के पास होगा। ऐसा नहीं होगा कि पूर्ण रूप से केंद्र में आश्रित रहें। भारत में है क्या ऐसा? सब अनुदान के, कोई कहता विशेष राज्य का दर्जा दे दो, कोई कहता इतना दे दो, कोई कहता उतना दे दो, सब मांगते रहते हैं। है ही नहीं पैसे तो क्या करें, मांगना पड़ेगा, होता तो ना मांगते। समझ रहे हैं ना, होता है ना, पैसा नहीं होता तो फिर पिताजी की याद आती है ना, और पिताजी की याद आती है और जिस दिन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ फिर ATM में जाके बस प्रणाम लगता है कि यहीं चरण स्पर्श कर लो पिताजी के, ठीक है, मन में बिल्कुल जो है आत्मा में मज़ा आ गया। ATM जाता है, पैसे हाथ में आते हैं, मेरे पिताजी से अच्छा कोई नहीं। 15 दिन तक फिर पिताजी याद नहीं आते पैसे के बाद। इसके बाद पिताजी की याद कब आती है? महीना का जो अंतिम 5 दिन होता है रोज़ याद आते हैं। अब पिताजी आपसे ज़्यादा होशियार होते हैं, वो जान जाते हैं फ़ोन कर रहा है कुछ गड़बड़ है, वो लाड वो जानता है, वो 25 तारीख के बाद जानना शुरू हो जाता है। आप फ़ोन आएगा इसका, आप पूछेगा हालचाल, पहले हालचाल पूछोगे सब बढ़िया है ना, फिर बताओगे कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, इस समय इतना पढ़ रहा हूँ, ये एग्ज़ाम है पिताजी, बहुत मज़ा आ रहा है बहुत सारी चीज़ों में। सोचेंगे आज तो पैसा नहीं मांगा इसने, बात इतने में ही करके टांग दी, वो सब जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वो ना, और यदि पिताजी के पास भी पैसा नहीं है, उन्हें ही पता, वो कहीं से जुगाड़ करके लाते हैं, चलो कहीं से जुगाड़ करके देना है तो देना। तो वैसे ही है, राज्यों के पास स्वायत्तता होती है संघ में, लेकिन भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। राज्य भारत, अमेरिका में होता, अमेरिका के राज्य चाहे जब चाहे तब अलग हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन भारत के राज्य कभी भी भारत से 1 इंच भी अलग नहीं होगा, ठीक है। जो बोलते हैं ना कहाँ गए कश्मीर के, कौन बोला था कश्मीर को दे देना चाहिए, ये अनिल जी, ठीक है, 1 इंच भी है दी हाँ 1 इंच भी नहीं अलग हो सकता, क्योंकि हमारा संविधान अलग तरीके का संविधान है। हमारे यहाँ पे विलयीकरण हुआ है, सिग्नेचर हुआ है, ठीक है। या ऐसा एक बार भी बात बोल दी ना, लोग पाकिस्तान भेज देंगे आपको। अच्छा पाकिस्तान आप चाहिए आपको, ऐसे तो ऐसे हाँ बिल्कुल, इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा होगा वो कुछ नहीं, आंतरिक सुरक्षा गड़बड़ा जाएगी। वो देखा ना ट्रॉय मूवी, देखी है ट्रॉय? देखा ट्रॉय? ट्रॉय मूवी देखी है, उसमें किले का महत्व दिखाया गया है, ठीक है, बहुत मस्त मूवी है, कभी देखिएगा मज़ा आ जाएगा। ट्रॉय में दिखाया किले का महत्व, किला के अंदर यदि घुस गए तो फिर किला ध्वस्त, ठीक है, भेद दिए वो बड़े, उसमें पूरी डिप्लोमेसी होती है। हाँ पहले तो नहीं घुस पाते, जिस जब तक ट्रॉय सुरक्षित रहता है जब तक किले के अंदर नहीं आते। ट्रॉय को रात में वो किसी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट बना के बर्बाद कर देते हैं। चलो हाँ हाँ हाँ, ये पूरा यूनान ग्रीस के ऊपर पूरा दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये हो गया आपका संघीय व्यवस्था, जहाँ पे संघ और राज्य को समान अधिकार होते हैं, ठीक है। परिसंघ में क्या होता है, जो भारत की बात, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है परिसंघ का, लेकिन भारत का संविधान पढ़ने के बाद पता चलता है कि सूबों के पास ज़्यादा स्वायत्तता है ही नहीं, सूबे बेचारे परेशान हैं। गोविंद वल्लभ पंत से हमेशा बात हो, जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट देखोगे तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं कि आप सूबों को जिम्मेदारी दोगे नहीं तो समझेंगे कहाँ से। घर पे होता है ना जो मुखिया होता है, सारी जिम्मेदारी सर का खबार उसी के पास होता है, बच्चे अपना मदमस्त मत मौला, वही है UPPCS का देखो क्या हाल है, बिहार का यही हाल है, मदमस्त हैं बच्चे अपना, झारखंड को देखो वो भी मस्त, अभी 6वां PCS लिया है, ठीक है, UPSC को देख लो, ठीक है। तो सारी जिम्मेदारी जो होती है ना, जो घर के बिगड़ैल बच्चे, कुछ बिगड़ैल हो जाते हैं, 29 राज्यों में सब बिगड़ैल नहीं है, केरला को देखो एग्जाम्पल है पूरे इंडिया में, हर चीज़ वहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था देख लो, वहाँ पे जानते हो पुलिसिंग व्यवस्था कितनी बढ़िया है, पुलिस आपके साथ घर घर आके पूछेगी कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ की पुलिस कभी आ जाए है ना, आते ही तो पहले घर का मुखिया पीछे से भाग जाता है कि पक्का कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है।
बहुत अच्छा है, आपके साथ क्रिकेट खेलेगी पुलिस, हाँ बहुत फ्रेंडली है। आप यहाँ पुलिस देखोगे बगल से साइड से निकल जाओगे, वहाँ पे लोग नमस्कार भी कर लेते हैं, सर नमस्कार कैसे हैं, थैंक यू बोल के जाते हैं, आप तो थैंक यू भी नहीं बोलते हो, दिन भर बेचारा धूप में आपके लिए। हाँ 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 बिल्कुल, सब उन्हीं की गलती है, उनको रास नहीं आता, आपका थैंक यू। ठीक है चलो आगे, अपना रखिए अपने पास, थैंक यू। ठीक है नेक्स्ट है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही पावर होती है, ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन में राज्यों का कॉन्सेप्ट नहीं है, एकात्मक है। चाइना एकात्मक है, चाइना में राज्यों को मतलब पूरा पावर, पूरी राज्यों के लिए भी पॉलिसी का निर्माण एक ही शक्ति करेगी। इटली एकात्मक है, जर्मनी एकात्मक है, ठीक है। तो राज्य हैं लेकिन पावर का निर्माण ऐसा नहीं कि उनको से पावर की सेपरेशन दे दी गई, जैसे हमारे यहाँ पे संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, इस पे कानून आप बनाओ, इस पे कानून हम बनाएं, ऐसा नहीं है चाइना। यहाँ कुछ शक्ति और अधिकार की बात हो रही है ना, एरिया के नाम की बात नहीं। हाँ ये तो व्यवस्था की बात है, किसने क्या चुन लिया। चाइना ये बड़ी बड़ी बात है कि इतना बड़ा राष्ट्र होते हुए एकात्मक व्यवस्था सुना है, और इस कारण से हो सकता है वो इतना ग्रो कर रहा है, ठीक है। वहाँ की पॉलिसीज अलग हैं, हमारे यहाँ पे तो केजरीवाल जैसे लोग हैं, तुरंत जलजी ऑफिस तक में धरना, काम करने का मन नहीं तो चलो सोफा में सोते ही हैं, और कितने दिन सोए है ना, लंबा सोए, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पे कि छोटी से छोटी पॉलिसी बन जाए उसका विरोध करना है। चाइना में क्या होता है, एक तो पॉलिसी बनती नहीं है, बनती है तो फिर एक बनने से पहले सोच लो क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन एक बार बन गई उसके बाद ना कुछ होगा, उसके बाद वो सीधा इम्प्लीमेंट ही होगी। वहाँ यहाँ पे क्या है, बनने के बाद ही शुरू होती है बहस, ये बेकार है वो बेकार है, अब नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा, पूरा विरोध होता है, सब कुछ होता है। अभी देखो अभी कोई नहीं बोल रहा यूपी पीसीएस के लिए, अभी नोटिफिकेशन कल आ जाए इसके बाद देखना सारे बच्चे वहाँ पे धरना देना चालू, डेट बढ़ाओ, एग्जाम बढ़ाओ, ऐसे कैसे होगा, तुम लोकतंत्र हो, ये ताना साहब हो। पूछने का तरीका भी तो नहीं है ना सर। और देखो 19 अगस्त कब डेट घोषित कर दी थी आयोग ने, कब, अब कहेंगे क्या हमारी तैयारी नहीं हुई, आपने ऐसा किया, अरे उसको नोटिफिकेशन निकालना वो निकाल देगा, लेकिन आप लोग क्या करोगे, जाओगे बड़े, ये लोकतंत्र है भारत का, ऐसे ही भारत का विपक्ष भी है, कभी संसद की बहस देखो सही से तो मज़ा आ जाएगा, चलने ही नहीं देते बेचारा वो जो अध्यक्ष बनता है, रोज़ बीपी की गोली खा के आता है, ठीक है, दो घंटे का की जाना भी सर पुड़वाना इन लोगों से, मना करता रहता है, चिल्लाता रहता है, मान जाइए क्या कर रहे हो, ऐसे वैसे कुछ नहीं सुनते, ठीक है। क्लास में संसद के बारे में पढ़ाया था मेरे को, तभी इतनी बातें पता चली थी, वरना हमेशा कभी भी टीवी पे देखा तो यही देखा है, बैठ जाओ कृपया बैठ जाओ, अरे मैं कह रहा हूँ आपसे आप बैठो तो सही, इससे ज्यादा मैं कभी कुछ होता नहीं है, हाँ कुछ नहीं होता, यही होता है वहाँ पे, बाकी हाँ वो फिर स्थगित करके निकल लेता है कि चलो जाओ घूम के आओ, फिर आओगे फिर मिलेंगे, फिर वो वही मुद्दा रहता है उनके पास, ठीक है। इस बार तो मैं तो हर बार जाता हूँ, मतलब हर बार जब भी सदन होता है तो अब तो ऐसा लगता है कि हाँ जुगाड़ हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, जुगाड़ ही की बात है, ठीक है, जुगाड़ उनसे मैंने बोल दिया, कल ही रिक्वेस्ट की थी कि अभी सभी बच्चे हैं तो आप कम से कम 30 पास बनवा लेते हैं, ठीक है 30 पास बन जाएंगे तो चले जाएंगे, देखते हैं हो जाएगा तो बढ़िया चलेंगे फिर, ठीक है। उसमें दिक्कत ये होती है कि भाई सदन क्या है कि अब कल चलेगा कि नहीं चलेगा ये पक्का, मानसून सत्र तो और भी गंदा चलता है, ठीक है, बारिश का महीना कोई आना नहीं चाहता, कुर्ते गंदे हो जाएंगे उनके, ठीक है। तो ये तो सबसे ज़्यादा ये सबसे अच्छा सत्र चलता है बजट सत्र, बजट हाँ सबसे चुनाव है, हाँ हंगामे बहुत सारे हैं इस बार तो, बहुत सारे मुद्दे भी हैं, बहुत मुद्दे हैं, ठीक है देखेंगे चलेंगे, हमें क्या है, हम जाएंगे ही तो देखने जाना है हंगामा कैसे होता है। मैं तो उनसे ये भी बोला हूँ कि स्थगित भी हो जाए तो ये मत कहिएगा कि इस तरह, हमें नहीं देखना अंदर का, कुछ नहीं होता अंदर, हम देख लें वो टीवी में देख लेते हैं, हमें बाहर से सारा कुछ देखना है, क्या स्ट्रक्चर है संसद, एक बार जाके उस धरती को प्रणाम करके आइएगा, अच्छी बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। जब पहली बार गया था तो बहुत अच्छा लगा था, घुसते ही इतनी बड़ी बिल्डिंग, वो तो दूर से देखने में, अभी आपको जब अंदर नज़दीक से उसको छुओ तो अजब फीलिंग आती है, आप ये फील करोगे कि भारतीय लोकतंत्र की इमारत है ये, मंदिर है हमारा, ठीक है, माथा टेकोगे और ये कहोगे कि यहाँ से सारी नीतियाँ बनती हैं, ठीक है। आप देखोगे बगल में मुलायम सिंह यादव घूम रहे हैं, जस्ट ऐसे ही बिल्कुल अगल बगल घूम रहे, तो आप सर कैसे हैं, घर में सब बढ़िया चल रहा है, बड़ा आप लोग अभी अखिलेश का घर तोड़ दिया गया, ऐसे भी बात कर सकते हो कोई पी वगैरह नहीं होता, सब ऐसे ही घूम रहे थे, बगल में बता रहे राहुल गांधी, अरे सर आप हैं क्या, ठीक है ऐसे भी चर्चा कर सकते हो आप, थोड़ी देर यही है कर लो, बढ़िया परिसर में अपना आराम से घूमते रहो, जो मिले उसको
ठीक है, लेकिन मीडिया बहुत होती है, मीडिया नहीं छोड़ती उन लोगों को, पकड़ लेती है, और बहुत अच्छे से जो अच्छे सांसद होते हैं बात भी करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग अपने टॉपिक में, अब तीसरा व्यक्ति, हाँ सरकार के बारे में चर्चा चल रही है, तो संघीय और एकात्मक दो व्यवस्थाएं होती हैं। अब भारत की बात कर रहे थे, तो भारत में क्या व्यवस्था है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था, एक तो संघीय प्रणाली है, प्रणाली कैसी है, सॉरी शासन व्यवस्था है संघीय, और प्रणाली है संसदीय। सरकार के अंग की बात करते हैं तो सरकार के अंगों में तीन अंग हैं हमारे, विधायिका, कार्यपालिका, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लाल रंग तो क्या होता है इसमें, फिजिक्स पढ़ा है ना, क्या होता है इसमें, प्रकीर्णन होता है, क्या होता है इसमें, तरंग दर्द कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, बैगनी का ज़्यादा होता है, बैगनी बहुत डल होता है ना, और आसमान का रंग नीला क्यों होता है, प्रकीर्णन के कारण, नीले रंग का क्या होता है, जल। अरे आप जो है ना, ब्लू कलर श्वेत प्रकाश बताया होगा सर ने, सात रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, जिसमें जो ब्लू रंग होता है वो प्रकीर्णित हो जाता है, बाकी सब ऑब्जर्व, जो धूल कण होते हैं अवशोषित हो जाते हैं, लेकिन नीला रंग नहीं होता है, ठीक है। और एक कारण ये भी होता है क्योंकि धरती में 70% वाटर बॉडी है, और उसका रिफ्लेक्शन भी होता है आसमान को नीला दिखाने, वही पानी ऊपर वो पूरा दर्पण की तरह, ठीक है। चलो, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अब दिखा कि नहीं, हाँ देखने की बात है, देखना चाहोगे तो ऐसे भी दिख जाएगा। शिवानी जी को दिख रहा था, हाँ आपको दिखेगा, अंतर मन से दिखेगा, है ना। चलो, तो विधायिका का नाम भारत की संसद है, संसद दो लोग, विधायिका संसद प्लस राष्ट्रपति से मिलके बनती है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस मंत्रिपरिषद प्लस महान्यायवादी, क्या सोच रहे हो कि मैं भूल गया, मुझे याद है, महान्यायवादी और उसको रखते हैं अभी अलग, और इतना ही, ये है अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका, ठीक है। दूसरी होती है स्थाई कार्यपालिका, परमानेंट, ठीक है। स्थाई कार्यपालिका में, रुक जाइए, अपना नाम मत लीजिए, ठीक है, अभी इनकी बात में बात चर्चा करते हैं। विधायिका में राष्ट्रपति होते हैं, कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति होते हैं, यानी राष्ट्रपति विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक सामंजस्यकारी भूमिका को निभाता है, जुड़ाव एक कड़ी है, ठीक है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच की कड़ी है कौन, राष्ट्रपति। कोई दिक्कत, हाँ। संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को प्रथम सदन बोलते हैं, राज्यसभा को द्वितीय सदन बोलते हैं, लोकसभा प्रथम सदन क्यों है बताइए, क्यों प्रथम सदन बोलते हैं? मैं कौन था जिस जो बता रहे थे, अच्छा रवि जी ने एक बार कहीं वो कोचिंग ले रहे थे, उनसे उन्होंने पूछा होगा कि सर, किसी सर से अपने उन्होंने पूछा कि लोकसभा प्रथम सदन क्यों है, तो बोले वो प्रथम तल में है है ना, और द्वितीय इसे बोलते हैं क्योंकि वो द्वितीय तल में है। नाम नहीं लेते, तो यहाँ पे
लोकसभा जो होती है इसे प्रथम सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि। यहाँ भी जनता के प्रतिनिधि हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुन के आते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति अभी पढ़ाऊंगा, राष्ट्रपति का चुनाव इसी पद्धति के माध्यम से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये पद्धति होती है जिसके माध्यम से राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधायिका से चुन के आते हैं। चूंकि भारत में संघीय व्यवस्था है इसलिए राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हाँ, अभी वो सब चर्चा करेंगे, ठीक है। राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यसभा में, नामी राज्यसभा एक सभा है जहाँ पे सारे राज्य बैठे हुए हैं। हर राज्य की पर्टिकुलर सीटें हैं जो भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में वर्णित है कि किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में बैठेंगे। ये शेड्यूल 4 है जिसमें लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, तो राज्यसभा द्वितीय सदन है। एक और बात, लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। बताइए ये क्यों, इसे निम्न क्यों, उसे उच्च क्यों? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे हमारी से विघटन किया जाता है, यानी मतलब बीच में भी हमारा विघटन, लेकिन वो हमारा नहीं, ये कभी भी खत्म नहीं होती, सदैव जिंदा रहती है। राज्यसभा नहीं कभी खत्म हो सकती, लोकसभा हर 5 साल बाद या 5 साल से पहले ही विघटित हो जाती है। यदि प्रधानमंत्री ने कह दिया भंग करो, राष्ट्रपति ने भंग कर दिया, ठीक है, सरकार अल्पमत की है, बात नहीं बनी, देखे थे ना वो क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसलिए दिल से प्रणाम करने का मन करता है क्योंकि 24 पार्टियों को एक साथ लेके, समता ममता, ठीक है, कितनी पार्टियां थी, सब पार्टियों को एक साथ लेकर के उन्होंने सरकार चलाई, 5 साल सरकार चलाई, जो NDA 1 था 2004 की जो सरकार थी, पहले 3 बार कोशिश किए, 1 दिन 13 दिन की सरकार बनी उनकी, ठीक है, फिर 13 महीना फिर कहीं जाके एक वोट की वजह से सैफुद्दीन, हाँ, गवर्नमेंट गिर गई, ठीक है। तो हाँ, बहुत ये लोकतंत्र में ये भी पढ़ेंगे हम लोग, राजनीतिक प्रणालियाँ भी, वो सॉरी राजनीतिक दल पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक ही लेंगे राजनीतिक दल। तो कई प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं, एक होता है एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति, जैसे चाइना में एक दलीय पद्धति है, वहाँ पे एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। द्विदलीय पद्धति जैसे ब्रिटेन में 2 दल हैं, क्या नाम है, लेबर पार्टी, मजदूर दल और अनुदार दल, लेबर और लिबरल, ठीक है। और ब्रिटेन अमेरिका में भी 2 पार्टी हैं, कौन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, या तो कोई डेमोक्रेटिक होगा या तो रिपब्लिकन होगा, वहाँ की जनता भी वहाँ की मीडिया भी ऐसे ही बढ़ जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे खुद बना लीजिए, जिसका मन हो बना लो अपनी पार्टी, ठीक है, रारती समाज पार्टी, क्या क्या पार्टियाँ बन रही हैं, हाँ, सदस्य हैं भारतीय समाज पार्टी की बैठी हुई हैं यहाँ पे, प्रतिनिधि प्रवक्ता, ज्वाइन कर लिया ना आपने, कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, श्रीकांत पाल जी। तो कहीं ना कहीं पे बहुत पार्टी हैं, बहुदलीय पद्धति होती है, वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। एक तो सबसे पहले चीज़ अल्पमत की सरकार बनती है, बहुमत नहीं मिलता का, अभी देख लो यहाँ पे कर्नाटक का पूरा गेम चेंजिंग कैसे हुआ, कितना दिमाग लगाया गया, चुनाव की वोटिंग हुई नहीं, पहले ही समर्थन दे दिया गया, इसके बाद जो 104 सीटें पाया वो पहले पड़ गया राज्यपाल के पास, राज्यपाल भी संकट में फंसा दिया मुझे, राज्यपाल उस चक्कर में फंस जाते हैं, फिर UPSC को एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है कि भारत में राज्यपाल की भूमिका पे है ना, क्योंकि एक ऐसा पद है जिसमें साफ साफ लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, तो उन्हें लगता है कि यदि यहाँ पर राष्ट्रपति के कार्य हिसाब से नहीं काम किया तो शायद प्रसाद छिन ना जाए, ठीक है, तो फिर वो पूछते हैं ऊपर कि क्या करें। वैसे राष्ट्रपति को विवेकाधिकार का प्रयोग कर राज्यपाल को करना चाहिए, लेकिन दबाव रहता है, ठीक है, और उसी दबाव को देखे कई जगह देखे, आप गोवा में देखा आपने, मणिपुर में देखा, ठीक है, नहीं करना चाहिए था ऐसा, BJP को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यूज करती हैं पार्टियाँ। जैसे ही नई पार्टी आएगी पहले तो राज्यपाल, पहले बोला जाता है कि आप इस्तीफा दे रहे हो कि कुछ करें, तो वो उसको पहले मैसेज दे दिया जाता है, गृह मंत्रालय की तरफ से चला जाता है कि ट्रांसफ़र कर दें कि इस्तीफा दे रहे हो, तो वो सोचता है 2-3 बार फिर इसके बाद इस्तीफा, जैसे BL जोशी को देखिए, रहे लेकिन बाद में इस्तीफा दे के चले गए, उन्हें पता था कि ये ट्रांसफ़र कर देंगे मणिपुर, अच्छी खासी ज़िंदगी यहाँ चल रही है, यहीं इस्तीफा लेके पेंशन में आराम से ज़िंदगी जीते हैं, कहाँ बच्चों को लेके मणिपुर में बुढ़ाती दर के घूमेंगे, है ना, वहाँ की अलग चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत होता है। अभी ये उत्तराखंड के राज्यपाल थे, बोलते थे ऐसे कैसे हटा दोगे, है ना, KK पॉल तो अभी बने, वो अजीत कुरैशी थे शायद, अजीत कुरैशी,
ठीक है, वो पहले थे जो अभी के पॉल को अभी बनाई, कोई के पॉल तो बहुत खतरनाक देखते हैं, यूपीएससी में इंटरव्यू लेते थे, के पॉल का जो बोर्ड होता था ना, लोगों के थर थर काँपते थे जब उनके बोर्ड में पहुँचते थे। कमिश्नर रहे हैं दिल्ली में? हाँ, कमिश्नर रहे हैं और फिर यूपीएससी के सदस्य रहे हैं। के पॉल के बोर्ड में जो पड़ जाता था उसको वो सीधा के बाद पूछते थे क्या आता है, अंग्रेजी के अक्षर बताओ, जेड तक बताना पड़ता था, के पहले के बाद, तो इस तरह के ABCD तक पूछ लेते थे। हाँ, एक और पी सदाशिवम, भैया आप मुख्य न्यायाधीश थे, आपको राज्यपाल की क्या ज़रूरत थी, इतना पैसा तो मिलेगा, ऐसा कूलिंग पे, ये सब बहुत गलत है, राजनीतिक, ये संवैधानिक पदों का दुरुपयोग है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल बना दिया गया, कभी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, पहले से कुछ गड़बड़ था, है ना, उस समय के वर्डिक्ट, अभी यही मामला दीपक मिश्रा पे भी आया कि अभी जितने भी मामले आए, एक ये मुद्दा था ना, क्या नाम था, जस्टिस लोया का केस आपने बंद कर दिया, खारिज कर दिया, उसकी सुनवाई ही नहीं की, ठीक है, जबकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोकतंत्र में चलता रहता है सब चीज़ें, चलो हम उन पर नहीं चर्चा करेंगे, अलग मुद्दे हैं, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कार्यपालिका, ठीक है, हाँ, विधायिका देख रहे हैं, जिसमें हमने बताया कि राज्यसभा उच्च सदन है, यानी कभी ना विघटित होने वाली संस्था है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा चल, इसके जितने भी सदस्य हैं, 6 साल का टोटल कार्यकाल होता है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया, ठीक है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य गए रिटायर्ड, और फिर उनका चुनाव, फिर गए फिर चुनाव, फिर गए फिर चुनाव, चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा निम्न सदन इसलिए है क्योंकि कभी भी ख़त्म हो सकता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है, भारत की बात करें तो राज्यसभा में टोटल 250 सीटें हैं, ठीक है, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 552 सीटें हैं, 250 सीटों में 12 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं, 4 आधारों पर, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, 4 आधार हैं, फिर से एक बार, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन आधार पर 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय कहाँ किस पे करते हैं, राज्यसभा में। इसके बाद लोकसभा में 552 सीटों में से 2 सीटों को जो एंग्लो इंडियन नागरिक होते हैं उनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, अभी 545 सीटें ही टोटल चुनी गई हैं, बाकी सीटें रिजर्व छोड़ दी गई हैं, क्यों छोड़ी गई हैं, आने वाले समय में हो सकता कोई नया राज्य बन जाए या कुछ हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए अभी 545 में ही चुनाव होता है, बाकी की सीटें खाली पड़ी, ठीक है, अब ये सीटों का मतलब क्या होता है, राज्यसभा जाओगे तो गिनती लगाना, 1, 2, 3 जो केवल 552 सीटें होंगी, ये जैसे क्लास है ना, यहाँ पे 30 सीटें हैं बस, ठीक है, तो भरी वहाँ पे ये है कि 7 सीटें खाली रहें, किसी का मन है कि भाई चलो लेट भी जाएँ तो अपना जो है खाली निकल जाओ, ऊपर की सीटें खाली हैं, 7 जाओ लेट जाओ, ऐसा है, इसलिए छोड़ी गई क्या, इसलिए थोड़ा ना छोड़ी गई। राज्यसभा में भी 245 सीटों पे ही अभी चुनाव हो रहा है, बाकी सीटें अभी 5 सीटें वहाँ पर भी खाली छोड़ी गई, ठीक है, व्यवहारिक धरातल पा के वहाँ पे, यहाँ पे रिजर्व नहीं है, ये वहाँ के हाँ लोकसभा की जितनी भी टोटल वहाँ पे सीटें हैं, जैसे कि वहाँ पे हैं 111 टोटल है, 111 111, जिसमें से चुनाव सिर्फ और सिर्फ 80 सीटों में होता है, बाकी हाँ नहीं नहीं भाई अभी बता रहे हैं, रुक जाइए, अभी जो आप पूछ रहे हैं मैं समझता हूँ, पहले विधानसभा को समझो तब लोकसभा में, जम्मू कश्मीर जब भी आए तो कुछ अलग तरीके समझना होता है उसे, ठीक है, अभी इतने में चुनाव होता है, बाकी की सीटें कहाँ हैं, पाकिस्तान में चुनाव करवाते ही नहीं, ठीक है, तो वो अभी रिजर्व, उनमें हम वो सीटों पे अभी चुनाव हो नहीं रहा, इतने पे ही होता है, लेकिन लोकसभा में हमने उनकी सीटें रिजर्व रखी हुई है, बिल्कुल रिजर्व हैं, सबकी रिजर्व हैं, बिल्कुल भी POK वगैरह चाहे जो भी हो, इंच इंच का हिसाब है, ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है, वहाँ भी रिजर्व है, ठीक है, तो ये हो गया आपका विधायिका, संसद और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, जिसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, यहाँ पे विधेयक आते हैं, विधेयक इस पटल पे भी आ सकते हैं, इस पटल भी आ सकते हैं, लोकसभा को बहुत जगहों पर स्पेशल राइट है, जैसे मनी बिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे लोकसभा को स्पेशल राइट है, जब कभी भी ज्वाइंट सेशन बनाया जाएगा, जैसे कोई विधेयक पे मतभेद हो गया,
ठीक है, ऐसा कोई अमेंडमेंट इसने कर दिया राज्यसभा ने जो लोकसभा को साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक पे कोई ऐसा विधेयक हो गया जिसपे लोकसभा को लगा कि ये सही नहीं है, तो दोनों के बीच में गतिरोध हो गया, या तो लोकसभा ने पारित किया इसने रोक लिया, बिल ही नहीं दिया, छः महीने से ज़्यादा बिल पारित ही नहीं हुआ, तो दोनों में हो गया गतिरोध। गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति कहेंगे कि एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। ज्वाइंट सेशन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या वैसे भी ज़्यादा होती है, ठीक है, और वहीं पर बहुमत से पारित करा लिया जाता है। राज्यसभा वाले देखते रहते हैं, गलत रोका था, इससे बढ़िया ना ही रोकते तो अच्छा था, ठीक है, उसी का अध्यक्ष बैठता, वही सब कुछ बैठता, फिर पावरफुल ये बन जाती है। लेकिन यदि संविधान संशोधन विधेयक होगा तो ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से पारित होना अनिवार्य है। तभी देखेंगे जीएसटी वाले में पूरा मामला, जीएसटी लोकसभा से पारित हो गया लेकिन राज्यसभा से पारित करा लो भला, वहां तो आपका बहुमत था, यहां क्या था, राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत था, नहीं पारित, प्रसन्न में कुछ दिन और चलाओ, डेटें बढ़ती गई, एक साल डिले हुआ पूरा जीएसटी, है ना। तो कहीं ना कहीं पे जब संविधान संशोधन विधेयक होगा, जब मनी बिल होगा, धन विधेयक होगा, जब वित्त विधेयक होगा, उस स्थिति पे संविधान ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा। मनी बिल पे भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता, वित्त विधेयक पे भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता, ये सब पढ़ाऊंगा, ठीक है, अलग चीज़ें होती हैं। देखो कोई भी विधेयक दो प्रकार के होते हैं, बिल दो प्रकार के, एक गवर्नमेंट का बिल होता है, सरकारी बिल होता है, एक प्राइवेट बिल होता है। प्राइवेट बिल मतलब समझते हैं, निजी बिल का मतलब क्या होता है, निजी विधेयक का मतलब क्या होता है बताओ। सरकार का मतलब एक चीज़ से समझ लो, सरकार का मतलब क्या है, जैसे हम चिल्लाते रहते हैं ना मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार, मोदी सरकार का मतलब सिर्फ मोदी और उसके मंत्री हैं बस, निजी नहीं, मोदी जी, उनके विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, कैबिनेट जिसे बोलते हैं, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में मोदी जी भी तो आते हैं। देखो एक ऐसे होता है पूरा ढांचा, कार्यपालिका में बताते हैं, कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल एक बड़ी बॉडी होती है जिसके अंतर्गत चार बॉडी होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के अंतर्गत चार छोटी छोटी बॉडी होती हैं। एक बॉडी होती है जिसको बोलते हैं कैबिनेट, मंत्रिमंडल, बहुत पावरफुल होती है ये, ठीक है। दूसरी बॉडी होती है जिसको बोलते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं मंत्रिमंडल, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। अनिल जी याद कर लीजिए, यही प्रभार चाहिए आपको, ठीक है, आगे चल के नेतागिरी में ही आना है आपको, स्वतंत्र प्रभार। इसके बाद नेक्स्ट नाइट्रेट का यूज करके आ सकते हैं आप, है ना, नहीं किया जा सकता, क्यों, 15-16 अनिल लगा दीजिएगा, अच्छा ठीक, आप तो हार मान लिए। दूसरा जो होता है वो होता है राज्य मंत्री, केवल राज्य मंत्री, और एक होता उप मंत्री। फिर से समझते हैं, फिर से दूसरी जगह समझेंगे, एक होती है मंत्रिपरिषद, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, बड़ी बॉडी, उसके अंतर्गत चार छोटी छोटी बॉडी हैं, एक होती है मंत्रिमंडल जिसे बोलते हैं कैबिनेट, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी होती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल, इसकी बैठक हर 7 दिन में होती है, हर 7 दिन में इनकी बैठक, इनकी भी कमेटीज़ होती हैं बहुत सारी, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, सुनते होंगे, आते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है। इसके बाद दूसरी होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसे बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, ये होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, एक होते हैं राज्य मंत्री, केवल राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार अलग चीज़ है, एक होते हैं उपमंत्री। तो हर 7 दिन की मीटिंग में कैबिनेट तो जरूर मिलते हैं, इनको भी मिलना पड़ता है, स्वतंत्र प्रभार वालों को भी, ये भी वहाँ बैठे, ये भी इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। राज्य मंत्रियों वालों को यदि बुलाया गया तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, और ये कभी नहीं आएंगे, ठीक है। ये सब कैबिनेट मंत्री के सहायता करते हैं, ये राज्य मंत्री और उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार अपने आप में अलग है, और ये मंत्रिमंडल अलग है, ज़्यादा पावरफुल मंत्रिमंडल होता है। एक और होता है किचन कैबिनेट बोलते हैं उसे, ये संविधान में कोई इसका बात नहीं किया गया, उल्लेख नहीं किया गया। किचन कैबिनेट का मतलब जैसे मोदी जी के किचन कैबिनेट में अमित शाह आते हैं, किचन मतलब समझते हो ना, रसोई, पकता है,
तो वहाँ पे भारत की राजनीति पकती है। किचन कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे लोग होते हैं जिनसे बड़े बड़े डिसीजंस वही लोग ले लेते हैं चुपचाप, और वो बस बता दिए। ये ज़्यादा पावरफुल तब भी होती है, जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे थे कई लोग, थे कर्ण सिंह थे, ठीक है, और संजय गांधी उनके बेटे, वो भी किचन कैबिनेट ही थे, किचन कैबिनेट के अंतर्गत है। तो कुछ चार पांच लोगों के बीच में वो जो है दाल पकती है और फिर सब पे बटती है, ठीक। एक और होता है जो कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है, उसे बोलते हैं शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है, शैडो कैबिनेट ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में क्या होता है कि मंत्रिमंडल के समानांतर एक और मंत्रिमंडल होती है, वो विपक्ष बनाता है। विपक्ष जो होता है उसका भी एक छोटी सी बॉडी होती है। हमारे यहाँ विपक्ष की क्या है, कोई बॉडी नहीं। हाँ, विपक्ष का जो नेता होता है, जो नेता प्रतिपक्ष होता है, वो कैबिनेट मंत्री स्तर का उसको दर्जा प्रदान किया जाता है। जो नेता प्रतिपक्ष होगा उसे कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, पावर भी होती है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष के लोग सुनते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या कोई नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में? राज्यसभा में है, कौन है राज्यसभा में? गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद हैं वहाँ पे, है उनको कैबिनेट मिनिस्टर स्तर का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। बाकी जो होते हैं बाकी को नहीं। तो यहाँ पर एक शैडो कैबिनेट होती है जो ब्रिटेन में नेता प्रतिपक्ष बनाती है वो कैबिनेट, उसे बोलते हैं शैडो, छाया, वो भी दबाव बनाती है बहुत बड़ा। वो लोकसभा में कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, ना कि नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस ने अपना रिप्रेजेंटेटिव उन्हें घोषित कर दिया कि जब कभी कांग्रेस की बात आएगी तो आप खड़े होकर बोलोगे। ऐसे तो फिर मायावती ने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव लगा रखा है, ऐसे तो लोकसभा और सपा ने भी लगा रखा है। सब पार्टियों का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो सभी सांसदों की जगह पर खड़ा होकर बोलेगा। जैसे कि आप आम आदमी पार्टी, उसने अभी गए ना, 2G गए हैं, 2 गुप्ता गए हैं राज्यसभा में, संजय, क्या नाम है, संजय सिंह बोलते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो एक लीडर बना दिया जाता है कि सब संसदों में भीड़ वो ना मच जाए, बहस ना हो जाए, ठीक है, आपस में एक लीडर हो जो अपने पार्टी की बात रखे वहाँ पे, सब सुनते हैं और तालियां ठोकते हैं। हाँ, 1/10 सीटें जीतनी चाहिए दूसरी पार्टी को, 552 सीटों में से 55 सीटें होनी चाहिए थी कम से कम इनके पास, इसलिए नहीं बनी, ठीक है, बहुत पीछे पड़े रहे ऐसा कि जो वैसा। अरे नहीं भाई, जवाहरलाल नेहरू के काल में भी नहीं बनाया था नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, ये लोग भी नहीं बने थे, बीजेपी का पहले नहीं बने थे, तो बीजेपी कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं। इससे पहले सुषमा स्वराज जी थी, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष थी, वहाँ अरुण जेटली हुआ करते थे, है ना, अरुण जेटली राज्यसभा में हुआ करते थे, है ना, प्रमोद महाजन, अरे उनका नाम मत, बहुत बहुत अच्छे लीडर थे, उनके भाई ने गोली मार दी प्रवीण महाजन ने, हाँ, तो बहुत, उनका बेटा जो है निकम्मा निकल गया, राहुल महाजन, राहुल महाजन की बात न कीजिए, स्वयंवर रचाया था उसने राहुल का, वो आता था ना NDTV इमेजिन में आता था उसका स्वयंवर, राखी का स्वयंवर के बाद राहुल का स्वयंवर, फिर बिग बॉस में भी आए वो, महापुरुष आदमी। तो वो जरूरी थोड़ो ना है कि उत्तराधिकारी अच्छा ही निकले, पूरा इतिहास में हमने देखा है जैसे ही अयोग्य उत्तराधिकारी आया इतिहास खत्म हो गया, नया शासन तैयार होता है, नया शासक बैठा है। अब मोदी जी का उत्तराधिकारी नहीं मिला तो दूसरा शासक तैयार है, कौन, लालू को यादव, तेजस्वी यादव देखते हैं इस समय कैसे कैसे बातें करते हैं लोग, ठीक है। तो वही है विकल्प, अब जैसे कि राजीव गांधी के बाद कांग्रेस के पास लीडर नहीं था, उसके बाद पूरा ख़त्म ही हो गया माहौल। हाँ था, यदि संजय गांधी जिंदा होते तो उनका बेटा वरुण गांधी संभाल ले जाता, लेकिन वरुण गांधी मेनका गांधी दोनों को बताइए हैं कांग्रेस परिवार से, लेकिन बीजेपी में आना पड़ा क्योंकि ऐसी पूरी पृष्ठभूमि बनी। हाँ चलो, राजनीति की सही, बिल्कुल सही बात। तो ये हो गया हमारा संसद। अब हम कार्यपालिका था, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, कार्यपालिका दो प्रकार की, स्थाई अस्थाई। स्थाई में आप बनोगे, एक क्लर्क भी होता है, वीडियो कहाँ गए, वीडियो वाले इस समय सुबह आते हैं बहुत परेशान करके रखते हैं, अच्छा आपको भी वीडियो बनना है, वीडियो वाले परेशान करके रख देते हैं, जितने अंटू पंटू एग्जाम की तैयारी वाले होते हैं ना, अलग ही दिमाग रहता है इनका, मन तो लगता नहीं है इनको, लगता हवा में सब चीज़ें होती हैं, इन्हें इनका व्यक्तित्व निर्माण करना पड़ेगा, पहले यही काम करना पड़ेगा कि भैया सुधर जाओ,
ठीक है, इनके दिमाग में बैठा कि जैसे वीडियो बनेंगे पूरा गांव पहले खाली करना है, उत्तर प्रदेश का खजाना लूटना है, ताबा बोल देना है उसको, पूरा दिमाग में यही बैठा हुआ है। देश सेवा या राष्ट्र सेवा मतलब उनको क्या है, कुछ नहीं। मेरे दोस्त थे वो बीटेक में मतलब करने के बाद वो यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे थे, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो कहते थे कि जैसे ही सिलेक्ट होगा दो ट्रांसफर गायब करना है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर दो गायब करेंगे, उसमें बड़ा मटेरियल होता है, सैलरी नहीं है ज़्यादा, 30-35 हज़ार में क्या होता है। कह रहे हैं कि भैया 4.5 लाख का तो लोन भर डाले, एक करप्ट आदमी यहाँ भी है। हाँ, तो नेक्स्ट जो है, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, स्थाई और अस्थाई, ठीक है। एक देखो, दो चीज़ें होती हैं, शासन और प्रशासन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक होता है शासन, दूसरा होता है प्रशासन, बताइए क्या अंतर है। प्रशासन आप प्रशासनिक सेवा, हाँ, और नेक्स्ट शासन का काम नीति निर्माण का होता है, पॉलिसी मेकिंग का होता है, और प्रशासन उसे क्रियान्वित करता है, यानी ये सैद्धांतिक पक्ष है शासन, व्यवहारिक पक्ष प्रशासन, ये व्यवहार में लाता है, ये सिद्धांत की बात करता है, ठीक है। तो हमारे जितने भी जो अस्थाई कार्यपालिका है वो शासन से जुड़ी होती है, स्थाई कार्यपालिका प्रशासन से जुड़ी होती है। प्रशासन है विशिष्ट शासन, प्रशासन है विशिष्ट शासन, ठीक है, ये हो गई एक बात। अब हम चर्चा करते हैं, हाँ, हम बनाने को बना सकते हैं, लेकिन लोक सेवा से अलग ही क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जैसे कि सिविल सेवा में सुधार, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्री में नहीं आएगा, प्री में तो बहुत सीधा सीधा आता है, मेंस में बनाएंगे, जो बनाएंगे शासन और प्रशासन, जैसे कि ये पूछ सकता है कि भारतीय राजनीति ने प्रशासन को शासन का हथियार बना लिया है, टिप्पणी कीजिए। आधुक समझ में आएगा तो जो समझेगा वो समझ लेके लिख देगा, नहीं तो ख़त्म बात। सच नहीं लिखना। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, मैं आज आपको दिमाग का एक बहुत बड़ा भ्रम निपटाता हूँ। सबसे पहली बात, जो तैयारी कर रहे हो उसमें सरकार की बातों को मानने के लिए जा रहे हो। तीन चीज़ें बनना है आपको, प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल बनना है, प्रो गवर्नमेंटल बनना, सरकार का कभी भी जो भी आएगा उसकी हमें बस कुर्सी में जो बैठा होगा सलूट मारना है, कोई विरोध नहीं करना। सरकार की नीतियों का हमें क्या करना है, क्रियान्वयन करना, जो उन्होंने कहा कि भैया खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, ठीक। पहली बात, IAS PCS अधिकारी कभी भी देश सेवा नहीं करता, कोई भी देश सेवा नहीं करता, आप भी देश सेवा नहीं करोगे, ये बहुत बड़ा भ्रम है, मिथक है, बता दो अभी तक कोई अनुभव है, कोई IAS PCS देश सेवा करते मिला हो आपको, हो तो बताओ। अच्छा, आप फिर कैसे कर लोगे? लीडरशिप की सेवा, हाँ, उनकी सेवा के लिए हमें तैयार हो रहे हैं, हमें जाना है उनकी सेवा, सरकार की नीतियों को हमें क्रियान्वित करना है, सरकार की नीतियों को क्रियान्वित। अभी अशोक खेमका थे, सुनो कितना बड़ी हस्ती, हस्ती का मतलब कुछ नहीं होता, परेशान, रॉबर्ट वाड्रा, ठीक है, एक परिवार के दामाद के ऊपर हाथ डाल दिया, इसके बाद बंदे ने 22 साल के टाइम पीरियड पे 60 बार उसने ट्रांसफर लिया, बोरिया बिस्ता गोल रखता, कहता कि भेज दो, मैं तो तैयार ही बैठा हूँ, अभी भेजना हो तो तुरंत, और कितने 22 डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुआ है, 22 डिपार्टमेंट में गए हो, हर जिस डिपार्टमेंट में गए उसी की बोले यार ये यहाँ भी नहीं फिट हो रहा है, कहीं भी फिट नहीं हुआ बंदा, है ना, अंत में उनको डाला गया रियल इस्टेट में, पता चला रॉबर्ट वाड्रा को ही पकड़ डाले, बोले गलत जगह ले आए, कहाँ डालें, जहाँ डालें वहाँ वो सुधर, क्योंकि हटा नहीं सकते, सस्पेंड कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए। एक PCS IPS अधिकारी नियुक्त होने में थोड़ा सा दिक्कत है, अभी मेहनत कर लो नियुक्त, लेकिन कोई हटा नहीं सकता, इतना आसान थोड़ा ना होता हटाना, हटाने में ही लग जाएंगे 5-10 साल, हट नहीं सकता, सस्पेंड कर दो, सस्पेंड में क्या, आधी पेंशन खाएं, घर में बैठेंगे आधी रोटी तोड़ेंगे, उसमें तो और बढ़िया है, न काम करना न कुछ करना, हम तो सस्पेंड में हैं भैया। एक चीज़ ख़राब लगती है, जैसे सचिवालय भेज देते हैं, सचिवालय जाओ डिसीजन मेकिंग करते रहो, बस एक ऑफिस हो गया, मज़ा आती है फील्ड वर्क करने में, फील्ड में रहोगे तो मज़ा आ जाएगी, सारा खेल जितना नशा होता है ना, ये जो आपको नशा है ये फील्ड वर्क का ही है,
ठीक है, कि कल लोग आएंगे, लोग आकर के आपके सामने बैठेंगे, बैठकर आप उनकी समस्याएं सुनोगे, उनका निदान करोगे, इसका नशा है आपके अंदर। इसका नशा नहीं कि आपको एक ऑफिस में बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए एसडीएम के बाद जब आपके प्रमोशंस होंगे ना, जैसे कमिश्नर बनोगे, कमिश्नर के ऊपर जाओगे, उसके बाद बस आप सिमिट कर रह जाते हो। जैसे कि जो कमिश्नर होता है उसके अंडर में चार डीएम होते हैं, जोन में होता है वो, ठीक है। तो पूरा काम डीएम के माध्यम से करवा रहा है। सबसे मज़े की पोस्ट डीएम की होती है। उस पोस्ट में जब तक रहोगे राजा की तरह रहोगे, लेकिन सब चाहते हैं कि ऊपर जाएं। कैबिनेट सिक्योरिटी लेवल पे डिसीजन मेकिंग होती है बहुत बड़े स्तर की, ठीक है। वहाँ से आप दायरा बढ़ता चला जाता है आपका। अभी एक ही जिला देख रहे थे, अब चार जिलों में बैठे हो। इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है। अब आपके ऊपर है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है, लेकिन कभी आप खुल के सामने नहीं आ सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि मोदी सरकार या फिर आप योगी सरकार, जो भी सरकार के प्रतिनिधि होगी, सरकार की कभी शासन में जाने के बाद बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि आप शासन के प्रतिनिधि हो वहाँ पे। आप किसी तरीके का वो कभी कभी देखिए, कोई एसपी डीएसपी या डीएम एसडीएम कोई ऐसा वार्तालाप करता मिल जाए, तुरंत मिलेगा। आप तो संविधान में शपथ इसी चीज़ के खाते हो आप, कि आपको अपने शासन और प्रशासन का उत्तरदायित्व तो निभाना है, ठीक है। चलो ये बात की चीज़ें। नेक्स्ट है आपका, तो कार्यपालिका दो प्रकार की है, स्थायी और अस्थायी। नेक्स्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका का ढांचा भारत में इंटीग्रेटेड है। न्यायपालिका का ढांचा भारत में इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। सबसे ऊपर राजा बैठा है, सुप्रीम कोर्ट, भारत का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद हर राज्य में अपना एक हाई कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर राजकोर्ट, और इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय बहुत होते हैं, ठीक है, जैसे कि सीबीआई का कोर्ट हो गया, जिला सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, मुंसिप न्यायालय, तहसील का न्यायालय, तहसीलदार का न्यायालय। आप भी जब डीएम या एसडीएम बनोगे तो आपका भी एक न्यायालय होगा, सिविल राइट्स मिलते हैं, ठीक है। मजिस्ट्रेट का अपना एक न्यायालय होता है, मजिस्ट्रेट के रूप में काम करोगे जब आप उस पर बैठोगे। ऐसे रहोगे तो जिला अधिकारी, लेकिन जब आप जाके कुर्सी में बैठ जाओगे न्यायालय न्यायाधीश के रूप में, तो मजिस्ट्रेट हो जाओगे आप, ठीक है। तो एक होता है सिविल राइट्स, सिविल मुकदमे जब आते हैं तो उनकी सुनवाई करते हो, भू राजस्व से संबंधित। आपका काम क्या है, जिले का जो भूमि कर है उसे वसूलना, रेवेन्यू आना, एक्साइज ड्यूटी आ जाना टाइम से, ठीक है, टैक्स वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना। तो जब उनमें प्रॉब्लम्स होती है तो जन सुनवाई दिवस या फिर ये सब कार्य के माध्यम से आप करते हो। सिविल मुकदमे भी निपटाते हैं बड़े बड़े जितने भी अधिकारी होते हैं। तो ये है कि यूपी आईएएस बनने के बाद आपको दोनों का मज़ा मिलेगा, न्यायपालिका का भी और इसका भी, ठीक है। चलो ये हो गया आपका न्यायपालिका। मैं ज़्यादा इसके बारे में भी नहीं समझाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो फिर डिटेल से पढ़ाऊंगा कि कैसे इनकी नियुक्ति होती है, क्या सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम क्या है, है ना, अधीनस्थ न्यायालय में कैसे चुन के आते हैं, पीसीएसजे का एग्ज़ाम होता है, फिर इसके बाद राज्यपाल की क्या भूमिका रहती है, वो सब चीज़ें वहाँ पर जब डिटेल्स पढ़ेंगे तब समझेंगे। पूरा क्रम देखेंगे कितना बड़ा क्रम है न्यायपालिका का। अंतिम खुद आप व्यक्ति, संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार और अंतिम व्यक्ति है। व्यक्ति यानी कि हम भारत के लोग, जिससे भारत का संविधान शुरू होता है, और भारत का संविधान लोक संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। लोक संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब समझ रहे हैं ना, हम सब संप्रभु हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत को एक लोकतांत्रिक, संप्रभु संपन्न, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, लोगों के अंदर व्यक्ति की गरिमा होगी, ठीक है, लोगों को समानता मिलेगा, न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भारत में व्यक्ति कैसा है, लोक संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित ये संविधान है, जिसमें व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं और व्यक्ति को कुछ दायित्व दिए गए हैं। दायित्व भी तो हैं, मताधिकार दायित्व है, जाओ दो, ठीक है। एक व्यक्ति मुझे रेलवे में मिला था, मैं वापस आ रहा था जब, तो एक ट्रेन में मिला, मैंने उनसे पूछा, ऐसी चर्चा चलने लगी, जानते हो ट्रेन में तो और मज़ा आती है, ट्रेन में तो मुझे क्राउड मिल जाता है तो मैं कायदे से फिर मौका ऐसे ही मौके नहीं चूकते, तो उसमें क्राउड मिल जाता है अच्छा खासा, तो जब बोलना शुरू करते हैं ट्रेन में, पहले मुद्दा थोड़ा सा छेड़ता हूँ मैं, और फिर देख लिया तो फिर बढ़िया जुहा जाते, काफ़ी भीड़ हो जाती। तो एक महापुरुष मिले, वो कहते हैं मैंने तो आज तक वोटर आईडी कार्ड इसीलिए नहीं बनवाया क्योंकि मुझे वोट देना ही नहीं। मैंने कहा बाकी का बैंक अकाउंट वगैरह और बाकी के डॉक्यूमेंट सब बनवा लिए, लेकिन मैं अपना, अपने बीवी का, अपने बच्चों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया। तो मैंने कहा फिर आप बहस में हिस्सा क्यों ले रहे हैं हमारे साथ, जब आपका कोई रोल ही नहीं है उस सरकार को बनाने में, तो आप हमारे साथ बहस में हिस्सा मत लीजिए, आपका बहिष्कार किया जाता है। तो वो फिर इसके बाद बेचारे कहते हैं सर अब कल ही बनवा लेंगे। मैंने कहा कि आप क्यों बात कर रहे हो, फिर सरकार ऐसी है वैसी है, जब चुना ही नहीं तो आप क्यों आ गए यहाँ पे बीच में,
ऐसे खटमलों का कोई काम नहीं है। आप खटमल हो देश के, देश को खा रहे हो। आपके कोर्ट के कांड से क्या क्या चीज़ें हो सकती थी? बोले इतनी पावर है मेरे वोट में। मैंने कहा यही तो नहीं पता, ये कोर्ट से ही तो ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, वो एक एक करके ही 100 बनते हैं, लोग ये नहीं समझते। एक एक बूंद से ही चल भर जाता है, एक एक जोड़ के ही एक एक 11 हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, एक एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन लोग कहाँ समझते हैं। लोग को लगता है अरे मेरे बदलने से क्या होगा, है ना। वो चाहते पहले दुनिया बदल जाए फिर मैं बदलूँ, अंतिम आदमी होऊंगा मैं बदलने वाला, है ना। लोगों की मेंटेलिटी ये है, उनको ये नहीं कि मैं बदल जाऊंगा, शायद मेरे संपर्क में आने से दूसरा बदल जाए, फिर मैं उसके संपर्क में आने एक एक मैं नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया क्रिएट कर दूंगा। लोगों के अंदर ये सोच नहीं है। क्या होता है, एक ही तो कहाँ गए, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक ही तो टूटता है, उसी से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो 3 न्यूट्रॉन फिर किसी को तोड़ते हैं। तो वही तो बनना है हमें, हमें एक एटम बम बनना है, परमाणु हथियार, एक बार फूटे जहाँ पे फिर रिएक्शन चालू हो जाए। लेकिन आपको लगता है कि आप अकेले निरीह प्राणी दयनीय, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन भारत के संविधान की ऐसी सोच नहीं थी, उसको लगा। अब चूंकि हम अनपढ़ निरीह लोग, अब संविधान पता ही नहीं है हमें, अपने फंडामेंटल राइट ही नहीं पता है, ठीक है, अपने दायित्व तो नहीं पता, राइट पता है, अधिकार पता है, हमें ये पता है हमें ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि हमें ये करना भी चाहिए। उसकी तो कभी चर्चा हम करने सुनने को तैयार नहीं है। घर में भी यही होता है, घर में टाइम से खाना चाहिए, है ना, लेकिन घर में दूसरा भी तो दायित्व, भैया सब्जी तुम ही काट दो, खाली बैठे हो, ठीक है, तो खाना भी टाइम से मिल जाएगा, क्यों होता है ना, रूम में सफाई चाहिए, लेकिन चप्पल बिस्तर के बगल में उतारते होंगे, है ना। खाने के बाद कोई थाली आपकी रखा है, फोन आ रहा है चलो, तो व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा दिए जाते हैं, जिन्हें मूलाधिकार भी कह सकते हैं और मताधिकार भी कह सकते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं। और व्यक्ति के क्या होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं जिन्हें मूल कर्तव्य के रूप में भी आप ले सकते हैं। समझ गए? तो ये भारत का संविधान है, जिस संविधान ने ये सोचा कि ये सरकार व्यक्ति के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाएगी, इसलिए इसको कुछ अथॉरिटी दी। किसने? इस संविधान ने। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो सरकार को कहते हैं कि ऐसी नीतियां बनानी है आपको ताकि जनता का कल्याण हो जाए, ठीक है। अभी मैं पूरा संविधान जोड़ता हूँ, मैंने 3 चीज़ों में पूरे संविधान को बताया आपको, राज्य, सरकार और व्यक्ति। भारतीय संविधान का भाग 1 क्या है बताओ, अब सभी भागों के बारे में चर्चा हो जाए, जितने भी भाग हैं बताइए, भाग 1 क्या है, आप ही बताओगे किससे क्या जुड़ा है, बताइए भारतीय संविधान का भाग 1 क्या है। संघ एवं राजक्षेत्र, संघ और एवं राजक्षेत्र मतलब क्या कह रहा है कि भारत के संघ का नाम ये होगा वो होगा, ठीक है, इतने राज्य होंगे, अनुसूची 1 में लिखे राज्य होंगे, ठीक है। तो ये किसकी चर्चा हो गई, भाग 1 किसकी बात कर रहा है, राज्य की बात, पूरे भाग 1 में राज्य की बात है। भाग 2 क्या है, नागरिकता, किससे जुड़ा है, भाग 2 पूरा व्यक्ति की बात कर रहा है कि व्यक्ति को कौन भारत का नागरिक होगा, नागरिक होने पे उसके क्या अधिकार होंगे, है ना। तीसरा क्या है, मूलाधिकार, मूलाधिकार किसके लिए है, व्यक्ति के लिए। चौथा क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किसके लिए, सरकार के लिए। एक डायरेक्शन है कि आपको ऐसी पॉलिसी बनानी है, वो इससे जुड़ गया। पांचवा 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बाद संघ, संघ सरकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा, ठीक है। भाग 6 राज्य, जो यूनिट्स हैं सरकार, वो भी सरकार का गठन है, राज्यपाल कैसे चुना जाए, मुख्यमंत्री, ठीक है, महाधिवक्ता, सब इसमें चर्चा है। इसके बाद भाग 7 नारा, पहला संविधान संशोधन के बाद चला गया, कहाँ गया पता नहीं, है ना, कहाँ तो खत्म हो गया, निरसित हो गया। पहले क्या थे, जब संविधान बना था तब पूरे राज्यों को पढ़ाऊंगा, 4 भागों में बांटा गया था, अब नहीं रहा, वो सिस्टम ही खत्म हो गया। भाग 8 दिल्ली, आम आदमी पार्टी, है ना, संघ राज क्षेत्रों के बारे में चर्चा है भाग 8 में, संघ राज केंद्र शासित प्रदेशों को, वो भी सरकार से जुड़ जाएगा, ठीक है। भाग 9 स्थानीय सुशासन, पंचायती राज व्यवस्था, सरकार। भाग 10
अनुसूचित जाति से का संरक्षण व्यक्ति, जोड़ो ना पूरे संविधान को, यही तीन चीज़ें मिलेंगी, चौथा कुछ मिल जाए तो बता देना, ठीक है। ये विश्लेषण इस आधार पे मैंने जो पढ़ा, पढ़ने के बाद दिमाग में ये चीज़ें जो आई तो यही निकल के आया कि पूरा संविधान बस इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। इसी पे पूरा 395 आर्टिकल हैं, जो एक एक आर्टिकल का क्या किया जाएगा, पोस्टमार्टम, एक एक आर्टिकल का पोस्टमार्टम करेंगे, चीड़ फाड़ कर देंगे पूरा, और कोशिश करेंगे समझने की। आधा काम आप करोगे, पूरा मैं नहीं करूँगा, पूरा मैं कर ही नहीं पाता, ठीक है। कोशिश करेंगे इस बार कि टाइम से हो जाएं चीज़ें, तो आप लोग बस तैयार रहो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम लोग, अभी टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। अब बताइए क्या किया जाए। एकात्मक नहीं समझ पाए, बताया तो था संघ में दो यूनिट्स होती हैं, यहाँ केवल एक यूनिट्स होती है, वही पॉलिसी मेकिंग करती है। ब्रिटेन का एग्जांपल, चाइना का एग्जांपल दे, उस समय थे कहाँ आप, क्लास में थे कि कहीं और, अरे यहाँ नहीं थे, ठीक है। तो चलिए फिर, अब नेक्स्ट, यदि कुछ अभी डाउट्स हो तो पूछ लो, चलो पूछ लो।